Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Good evening, people. मेरा नाम स्मृति शाह है और आज हम निबंध लेखन पर चर्चा करेंगे. पर चर्चा करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं जानना चाहती हूँ कि मैं बेसिकली चर्चा कर किन लोगों के बीच रही हूँ. एज इन आप लोग इस साल मेंस लिख रहे हैं, कौन लोग हैं जो इस साल मेंस लिख रहे हैं? ठीक है, तो और मजॉरिटी ऐसे हैं जो अगले साल लिखेंगे, इस होप के साथ आज हम चर्चा करेंगे. ठीक है, तो जो लोग इस साल मेंस लिख रहे हैं, अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक डाउट हो एज फार एज निबंध लेखन ऐसे राइटिंग इज कंसर्न, तो हम सेशन के बाद भी वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं. तो उसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा. आज आप जितना भी समय इस सेशन में देंगे, 1.5 से 2 घंटा, हम बस इतना चाहते हैं कि वो आपके लिए लाभदायक हो. जो भी आप लो इस सेशन से, कुछ ऐसा हो कि जो लेकर आए थे उससे कुछ ज्यादा ही लेकर जा रहे हो, बस इस उम्मीद के साथ आज हम चर्चा शुरू करेंगे. देखिए, एक सिंपल सी बात है कि ऐसा क्या हो गया, निबंध ऐसा तो है नहीं कि पहली बार यूपीएससी में पूछा जा रहा है, कई सालों से पूछा जा रहा है और कई लोग ऐसे हैं जो इसमें अच्छे खासे अंक प्राप्त भी कर रहे हैं. बट अगर आपने कुछ नोटिस किया हो कि पिछले 2-3 वर्षों में जो ये पेपर है उसका जो महत्व है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों, अचानक से ऐसा क्या हो गया? नंबर 50 नंबर बढ़ गए इसलिए, 200 की बजाय 250 नंबर का पेपर हो गया 2013 ऑनवर्ड्स, उससे पहले 200 नंबर का आता था, जब पैटर्न चेंज हुआ उसके बाद 250 नंबर का आने लग गया. क्या वही एक कारण है कि थोड़ा सा नंबर वेटेज बढ़ गई है इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, या कुछ और भी है? ऐसे घबराए से क्यों लग रहे हो? नहीं, मतलब हो सकता मैं स्ट्रिक्ट लगूं, मैं बिल्कुल नहीं हूं, तो मतलब ऐसे घबराना मत, हम चर्चा कर रहे हैं तो हम एक दूसरे से बातें करते रहेंगे, तो मुझे भी बेहतर जानकारी होगी कि मैं आपको किस विषय में और किस तरह से जानकारी दूं. देखो, एक सिंपल सी बात है यार, अगर निबंध लेखन या किसी भी पेपर में आपको एक्सेल करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है आप ये जानो कि उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, उसका महत्व क्या है. एट द एंड ऑफ इट कोई रिसर्च तो करनी नहीं है, कल को जाके कोई स्कॉलर तो बनना नहीं है कि रोज एक नए नए विषयों पर तुम निबंध लिखने बैठोगे, बिल्कुल भी नहीं, हम इंटरेस्टेड भी नहीं है. एक इतना बड़ा एग्जाम है, इसको क्लियर करो, नैया पार लगे और फिर जिंदगी जिए, मतलब उम्र निकल जाती है, इंजॉय भी नहीं कर पाते. सो बेसिकली हमारा उद्देश्य बस इतना है कि यूपीएससी में किसी तरह हमारे नंबर आ जाए. बट मुद्दा यह है कि आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है. आप ये समझते हो कि हर के जीवन में एक उद्देश्य, एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को अचीव करने के बहुत सारे साधन होते हैं. ठीक है, इस वक्त यहां तो मैं गारंटी से कह सकती हूं जितने बैठे हैं उनका बस एक ही लक्ष्य है, इस एग्जाम को क्लियर करना. इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके साथ, आपके पास बहुत सारी मींस हैं. पहला प्रीलिम्स जो आपको क्वालिफाई करना होता है, और उसके बाद जो मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा में भी आपके पास जीएस के पेपर्स हैं, ऑप्शनल है और ऐसे है. लेकिन एक बात आपको समझनी है कि इस एग्जाम को क्लियर करने में आज के टाइम पे ऐसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर बनकर सामने आया है. देखो, उसकी महत्व को समझने के 2 तरीके हैं, या तो एक ऐसा महत्व जो स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ रहा है, और दूसरा ऐसा महत्व जो अंतर्निहित है. एक ऐसा है जो एक्सप्लिसिट है, जो हमें सामने दिख रहा है, और वो होता है उसका स्पष्ट महत्व, और वो 2 है. सबसे पहली बात मैं आपसे जानना चाहती हूं कि कोई आइडिया है 2016 में हाईएस्ट मार्क्स कितने आए थे निबंध पेपर में? 160. चलो, जब बोली लग रही है तो थोड़ी और बढ़ाते हैं, 160. उससे ऊपर कुछ आए थे? 165. चलो, ये और ऊपर. और कुछ? अगर मैं ये कहूं इस साल के हाईएस्ट मार्क्स, जहां तक मेरी जानकारी जाती है, अगर इससे ऊपर पता है तो मुझे नहीं पता, इतना मुझे पता है कि जो इस बार के हाईएस्ट गए हैं वो 176 नंबर है 250 में से. आप एक आइडिया लगा सकते हैं, 70.4% मार्क्स आप सिर्फ इस एक पेपर में ला सकते हैं, 176 मार्क्स सिर्फ आप एक पेपर में ला रहे हैं. इतने तो आजकल ऑप्शनल में नहीं आ रहे,
जितने आप ऐसे मिला सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस पेपर से आप कितना अच्छा और कितना इंप्रूवमेंट अपनी रैंक और अपने सिलेक्शन में ला सकते हो, वो इस पेपर का महत्व निर्धारित करता है। और सिर्फ इस यही महत्व नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपका अच्छा करना जरूरी नहीं है, आपका बाकियों से अच्छा करना बहुत जरूरी है। और हम दूसरों पे तो डिपेंड नहीं कर सकते ना खराब परफॉर्मेंस करने के लिए, कि वो इतना खराब करें कि हमारी जैसी भी परफॉर्मेंस है हम उनसे बेहतर लगें, भाई ये तो इतना नहीं है, उनसे उम्मीद करते हैं, सब तैयारी के उससे आए हैं। तो आपके लिए सिर्फ अच्छा परफॉर्म नहीं करना है, बाकियों से अच्छा परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कोई स्टैटिक कट ऑफ नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि लोगों के कितने नंबर आए हैं, उस आधार पर ये कट ऑफ डिसाइड होता है। इसलिए अगर आप इस पेपर को थोड़ा ध्यान से देखें तो जहां एक तरफ लोगों के 176 नंबर तक आ रहे हैं, वहीं लोगों के 60 और 70 नंबर भी आ रहे हैं, तो जो गैप है, जो रेंज है इस पेपर में, वो बहुत ज्यादा होती है। अगर आप जीएस के 1, 2, 3, 4 पेपर देखो, ज्यादा से ज्यादा 125-130 नंबर और कम से कम 60-70 नंबर, लेकिन जो गैप यहां पर है, जितना आप अपनी रिलेटिवली परफॉर्मेंस सुधार सकते हो, ऐसा अवसर आपको और कोई पेपर नहीं देता। तो एक इसका स्पष्ट महत्व यह होता है कि आप इसमें कितने अंक अर्जित कर सकते हो। और मैं ये इसलिए बता रही हूं कि जिस दिन आपको किसी चीज का महत्व पता चल जाता है ना, उस चीज को पाने की जो वो शिद्दत है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। वाह, कितना अच्छा डायलॉग लग रहा था कि मतलब अगर शिद्दत से चाहो तो कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। खैर एनीवेज, द पॉइंट यहां पर ये है कि अगर बहुत शिद्दत से चाहोगे तो जब किसी एक के नंबर इतने आ सकते हैं तो आप में भी लोगों के नंबर आ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। और एक एवरेज स्कोर जो इस बार गया है निबंध लेखन में, वो 150 गया है। 150 का मतलब है 60% आप स्कोर कर सकते हो इस पेपर में। क्लियर है? दूसरा जो इसका स्पष्ट महत्व है वो ये है, इसके लिए कोई तैयारी नहीं करनी है। ये एक ऐसा पेपर है जिसके लिए आपको कोई तैयारी नहीं करनी, क्योंकि आपको रियलाइज नहीं हो रहा है आप तैयारी करते हुए चल रहे हो। दो चीजें होती हैं, एक आपके पास सामग्री होनी चाहिए और दूसरा सामग्री को प्रस्तुत करना आना चाहिए। तो सामग्री तो आप अर्जित कर रहे हो, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ऑप्शनल, बहुत सामग्रियां हैं आपके पास। आपको बस एक चीज सीखनी है कि उस चीज को हम प्रस्तुत कैसे करें कि सामने वाला हमसे खुश हो जाए। बस आपको इतनी मेहनत करनी है। बाकी और पेपर्स में आपको कितनी मेहनत करनी होती है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। आपके पास कंटेंट है, आपको बस अपने प्रेजेंटेशन को सुधारने की जरूरत है, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। क्लियर है ये बात? तो ये दोनों महत्व तो आपको सामने दिखते हैं, पर कुछ ऐसा है जो हमें दिखता नहीं है लेकिन किंतु फिर भी वो वहां पर होता है। और वो ये है कि ये एक ऐसा लौता पेपर है जो आपको अवसर देता है। आपके पास ज्ञान है, आपके पास समझ है, मैं मान के चल रही हूं ये बात कि आपके पास ज्ञान भी है और आपके पास समझ भी है। आप उन दोनों चीजों को कितने रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत कर सकते हो, ये अवसर केवल आपको ये पेपर देगा। क्योंकि बाकी कोई भी पेपर आप उठाकर देख लीजिए, उन सब में एक तरह का नियंत्रण होता है। आपके पास समय सीमित होता है, जगह सीमित होती है। भाई पेपर 1 का क्वेश्चन है तो पेपर 3 का पर्सपेक्टिव तो नहीं डाल देंगे ना, आपको उसी दृष्टिकोण से उस चीज को लिखने की जरूरत है। बस ये एक ऐसा लौता पेपर होता है जो आपको वो अवसर देता है जहां पर आप जितने ज्यादा रचनात्मक होना चाहो आप हो सकते हो। मैं सिर्फ ये बात आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई भय मत रखना। ये एक अवसर मिला है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको हाथ से मत जाने दो। अक्सर लोगों को लगता है कि ऐसे राइटिंग का क्या है, हो जाएगी नहीं तो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है यार ऐसे राइटिंग का क्या होगा, कैसे होगी। अगर डर के रहोगे ना तो कभी होगी ही नहीं, डर के आगे ही तो जीत है। तो बेसिकली कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसे एक अवसर की तरह लो, एक मौके की तरह लो, जिसे हाथ से जाने नहीं देना। क्योंकि अगर कोई एक बंदा आप में से इतना ला सकता है ना, तो वो ऐसे आसमान से नहीं टपका है। अगर वो ला सकता है तो आप भी ला सकते हो। अगर एवरेज स्टूडेंट 150 नंबर ला रहा है तो आप भी ला सकते हो। बस इतना है कि उतनी उम्मीद करो, उतनी आशा करो, उसके लिए उतनी मेहनत करो, अपने आप हो जाएगा। क्लियर है ये बात? इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आज की चर्चा करेंगे कि पहली बात, घर जाके आप सबका, आज से जो इस बार मेंस लिख रहे हैं वो भी और जो अगली बार लिखेंगे, आप सबका टारगेट होगा 150 मार्क्स मिनिमम इन ऐसे पेपर।
ये कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते हो. बस एक बात जान लेना, पेपर 1, 2 और 3 आपका रैंक डिसाइड कर सकती है, लेकिन लिस्ट में नाम है या नहीं ये सिर्फ एथिक्स का पेपर, एसे का पेपर और ऑप्शनल डिसाइड करता है. क्योंकि ये 3 पेपर ऐसे हैं जिसमें वेरिएशन इतना ज्यादा होता है, या तो नाम लिस्ट के अंदर है या नाम लिस्ट के बाहर है. तो इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए आज से खुद से वादा करेंगे कि हम ऐसे राइटिंग में ये टारगेट सेट करके और फिर हम इसकी तैयारी करेंगे. क्लियर है ये बात? ठीक है, तो चलिए, हमें इस बात की तो जानकारी हो गई कि निबंध का महत्व क्या है. लेकिन अगर आपको कोई भी पेपर तैयार करना है तो सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए. यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सिलेबस का तो आइडिया होना चाहिए ना. सो एक जस्ट ब्रीफ आइडिया, यूपीएससी में निबंध का कोई सिलेबस दे रखा है? नहीं दे रखा है ना? दे रखा है, घर जाके पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी हम उस पर चर्चा कर लेते हैं. एक बहुत छोटा सा सिलेबस दे रखा है, वो देख लेते हैं सिलेबस क्या है. एक सबसे अच्छी बात बताती हूँ यूपीएससी की, वो हमसे ज्यादा अपेक्षाएं रखता ही नहीं है. वो ये उम्मीद भी नहीं लगाता है कि अगर वो कोई निबंध का विषय हमें दे रहा है तो हम उस विषय को भली भांति लिखें. बिल्कुल नहीं. उसने अपने सिलेबस में एक बहुत कायदे की बात कही हुई है कि विषय को का उत्तर मत दो, बट उस विषय के जो प्रसंग, जिस प्रसंग में वो विषय आपसे पूछा गया है उसके जितने समीप जा सकते हो उतनी जाने की कोशिश करो. मतलब वो आपसे ये उम्मीद भी नहीं लगा रहा है कि आप विषय को सही समझकर सही विषय का उत्तर करो. वो आपसे बस इतनी उम्मीद लगा के बैठा है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस प्रसंग में वो विषय आपसे पूछा गया है उस प्रसंग के समीप जाने की कोशिश करो. तो सबसे पहला जो उसने सिलेबस में बात करी है वो करी है प्रसंग की. कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में आपसे वो टॉपिक पूछा गया है उस बारे में उसने चर्चा करी है. जिस दिन आप विषय को समझ लेते हैं, किस प्रसंग में पूछा गया है वो समझ लेते हैं, दूसरी वो आपसे उम्मीद लगाता है. कोशिश करो जितना ज्यादा कंसाइज लिख सको उतना लिखो. कभी कभी होता है कि अपनी बात कहने के लिए इतने शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं कि बात का सारी खत्म हो जाता है. वो नहीं करना चाहिए. अपनी बातों को जितने कम शब्दों में, जितने स्पष्ट सटीक रूप में लिखोगे उतने ज्यादा अपने लिए अंक अर्जित कर पाओगे. तीसरा उन्होंने कहा कि कोशिश करो कोहरेंट लिखने की कोशिश करो. कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास सोर्सेस बहुत हैं पढ़ाई करने के, जहां से जो मिलता है वो सब इकट्ठा करके लिखने की कोशिश करते हैं. एक बहुत अच्छी ह्यूमन टेंडेंसी आपको बताती हूँ. जब कभी आप कोई नया शब्द सीखते हो ना, चाहे उस शब्द का यूज हो रहा हो या ना हो रहा हो, अपनी बातचीत में एक बार तो उसे जबरदस्ती डालते हो. भाई नया सीख कर आए हैं, सामने वाले को पता भी तो चले कि हमने नया सीखा है. वही होता है जब कोई नई कोटेशन पढ़ी है, कोई नया टॉपिक पढ़ा है, चाहे जरूरत हो या ना हो जबरदस्ती उसको डालने की हम पूरी कोशिश करते हैं. भाई सामने वाले को पता भी तो चले हम क्या पढ़ कर आए हैं. वो नहीं करना यार. जो पूछा गया है और जैसे पूछा गया है वैसे ही लिखने की कोशिश करनी है. और ये क्लियरली यूपीएससी ने आपको अपने सिलेबस में बताया है. और लास्टली यूपीएससी ने ये कहा है कि जितना ज्यादा एग्जैक्ट और इफेक्टिव लिखोगे, कहने का मतलब है जितना ज्यादा सटीक और प्रभावी लिखोगे, आपकी अभिव्यक्ति जितनी ज्यादा सटीक और प्रभावी होगी उतने ज्यादा अंक आप अपने लिए अर्जित कर पाओगे. बस ये 4 उम्मीदों के साथ यूपीएससी ने ये पेपर आपके सामने रखा है. इतनी तो उसने आपसे अपेक्षाएं नहीं रखी. क्लियर है ये बात एकदम? ठीक है, इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अब हम निबंध लेखन की शैली पर चर्चा करेंगे. सबसे पहली बात अपने मन में ठान लेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है जिसके लिए जितनी मेहनत की जरूरत है वो हम सब करेंगे. दूसरी ये बात कि आपसे बस ये 4 चीजों की उम्मीद लगाई गई है. सबसे पहली चीज कि वो थोड़ा सा प्रासंगिक होना चाहिए, थोड़ा सा कोहरेंट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, और जितना सटीक और प्रभावी अभिव्यक्ति होगी उतनी ज्यादा आपको अंक प्राप्त होंगे. क्लियर है ये बात? ठीक है, देखिए ये मेरा तरीका है. मैं ये नहीं कहती कि ये सबसे अच्छा तरीका है, बट जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका जरूर है. कि जब भी आप किसी भी चीज की तैयारी करें आपके मन में ये बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए
कि उस चीज की आप तैयारी क्यों कर रहे हैं, उस चीज की तैयारी का पर्पस मकसद क्या है, क्या तैयार करना है उसमें आपको, और लास्टली आपको उस चीज की तैयारी कैसे करनी है। ये तीनों चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं किसी भी पेपर को क्लियर करने के लिए, कि पहले आपको पता तो हो कि निबंध लेखन का उद्देश्य क्या है। पहले हमें यह पता तो जरूर चल गया कि इसका महत्व क्या है, बट हमें यह नहीं पता कि यूपीएससी ने किस उद्देश्य के साथ ये पेपर इंक्लूड करा है। भाई देखिए, आपको हर पेपर के बारे में जानकारी है ना, उसका सिलेबस क्या है, क्या उसका पर्पस है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि निबंध का क्या उद्देश्य है। कुछ आइडिया है इसका क्या उद्देश्य है, क्यों पूछ रहे हैं ये पेपर आपसे? उनका मन है एक एक्स्ट्रा पेपर चेक करने का? अभिव्यक्ति सही है कि नहीं है वो जानने के लिए, और कुछ सामाजिक मुद्दों के बारे में आपकी क्या समझ है, क्या सोच है, बिल्कुल सही, और कुछ ठीक है। आप किसी पर्टिकुलर इशू को किस हद तक आप उसका विश्लेषण या व्याख्या कर सकते हैं वो चेक करने की कोशिश करते हैं, और कुछ इनोवेटिव अप्रोच, ब्रिलियंट, और कुछ एब्सोल्युटली मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक क्रम से शुरू होते हैं। सबसे पहली चीज, ऐसे में लिखने के लिए बेसिक चीज की क्या जरूरत है, कंटेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए पहली बात तो सबसे पहला वो आपका ज्ञान, आपको चीजों के बारे में कितनी नॉलेज है वो इस चीज को टेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रही हूं क्योंकि जब भी आप अपनी ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, ये मेरी आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त है कि जहां भी आप बैठ के पढ़ते हैं सामने की दीवार पर इस तरह का फ्लो चार्ट टांग ले, इसलिए क्योंकि ये चीजें आप एक दिन में नहीं सीख सकते। कहते हैं ना, जब रोजमर्रा आप किसी चीज को बार बार देखोगे वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्थिर हो जाती है। इसीलिए प्लीज इस बात को गांठ मार के चलना कि निबंध आपके ज्ञान का टेस्ट है। वो ये देखता है कि आपको चीजों को लेकर कितनी ज्यादा जानकारी है। लेकिन एक बात मैं यहां क्लियर कर दूं, ज्ञान से मेरा तात्पर्य वो नहीं जो आपने किताबों में पढ़ा है। ज्ञान बहुत तरीकों से मिलता है, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपने ऑब्जर्व किया है, किस कैपेसिटी में आप चीजों को एनालिसिस कर सकते हो, वो आपके ज्ञान का टेस्ट होता है। तो सबसे पहली चीज जो निबंध लेखन में देखी जाती है वो ये है कि कौन कितना नॉलेजेबल है, किसको कितना ज्ञान है। लेकिन फिर एक इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ ज्ञान होने से निबंध में मार्क्स नहीं आते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दोबारा आती है वो है, अभी इसका मतलब समझाती हूं मैं आपको। इससे मेरा तात्पर्य यह है कॉम्प्रिहेंशन स्किल से, बहुत सिंपल सी बात है, आप सबको नॉलेज है किसी ना किसी चीज के बारे में। एक बार जब आप एक बार प्रीलिम्स की या मेंस की तैयारी कर लेते हो, हर टॉपिक के बारे में एक मिनिमम नॉलेज सबको हो जाती है। भाई लक्ष्मीकांत सभी ने पढ़ी है, एनसीईआरटी सभी ने पढ़ी है, तो एक बेसिक नॉलेज सबको होती है। लेकिन ऐसे में मार्क्स उसको मिलते हैं जो अपनी उस नॉलेज को जितने सरल रूप से सामने रख सके उस बात के लिए अंक दिए जाते हैं। क्योंकि एक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत कमाल की बात कही थी, अगर आप अपनी बात को सरल भाषा में नहीं समझा पा रहे हो, इसका मतलब है आपको खुद को वो बात नहीं समझ आई है। और एक आपसे दरख्वास्त है, ये मुझ पे मत लागू करना कि अगर मेरी बात नहीं समझ आ रही है तो मैं खुद नहीं समझ पाई हूं, मैं समझ के आई हूं, ठीक है। तो पॉइंट यहां पे ये है कि कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि जितनी भी नॉलेज आपने इकट्ठी करी है उसको सरल भाषा में लिखने की जरूरत है। ये पॉइंट पे मैं इसलिए इतना फोकस कर रही हूं क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि अगर भारी भरकम शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। सबने थ्री इडियट्स देखी है, कहना क्या चाह रहे हो, तो बात यह है कि जो कहना चाह रहे हो वो सामने वाले के अगर समझ आ गई तो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पहली बात तो आपके पास कंटेंट हो, और दूसरा उस कंटेंट को आपको ठीक से अरेंज करना आता हो। तीसरा जो मेरे अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है कॉन्टेक्स्ट। इसका रीजन बताती हूं आपको। आप सबके पास अलग सोर्स ऑफ कंटेंट है। एक एग्जाम्पल, कोई पॉल साइंस का स्टूडेंट होगा, कोई सोशियोलॉजी का होगा, कोई फिलोसफी का होगा, कोई मैथ्स का होगा, सब अलग अलग ब्रांचेस से और अलग अलग ऑप्शनल लेकर बैठे हैं। तो जो आप ऐसे चूज करोगे, चाहे आप सेम विषय चूज करो, उसको अप्रोच करने का तरीका सबका
अलग हो जाएगा, क्योंकि जिसका जो ऑप्शनल होगा कहीं ना कहीं उसका ऐसे उसकी तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। तो कंटेंट कहीं ना कहीं आप सबका वेरी करेगा, लेकिन जो एक चीज आपकी वेरी नहीं करनी चाहिए वो है प्रसंग। क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट में वो टॉपिक पूछा गया है, अगर आप उससे भटक जाते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। कभी कभी होता है ना कि आपने दोनों ऐसे लिखे, अच्छे खासे 10-12 पन्ने भरकर आए, लेकिन तब भी मार्क्स आपको नहीं मिले, क्योंकि आपने सही लिखा, अच्छा लिखा, पर जो पूछा गया है वो नहीं लिखा। इज दैट वेरी क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कितनी भी नॉलेज हो, कितना भी उसे सरल भाषा में लिखा हो, लेकिन जो विषय का कॉन्टेक्स्ट है, अगर आपने उसे आंसर नहीं करा है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना आना चाहिए। हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, बहुत सारे सोर्सेस भी होते हैं, लेकिन हर इंफॉर्मेशन को हर जगह नहीं लिखा जा सकता। एक आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। एक बार एक स्टूडेंट की स्क्रिप्ट में देख रही थी ऐसे की, उसने ऐसे अच्छा लिखा था, जो टॉपिक पूछा गया उसके अनुसार लिखा, बट बहुत ही बिखरा हुआ सा ऐसे था, कहीं भी कोई भी पॉइंट दिया हुआ था। तो मैंने कहा ये पॉइंट तो पहले डिस्कस हो चुका है, तुमने अब क्यों लिखा? कहते मैम लिखने के बाद समझ आया कि एक पॉइंट छूट गया है, पर मैं कैसे छोड़ देता, मैं तो पढ़ के आया था। तो मैंने कहा सामाजिक मुद्दा तो पहले डिस्कस हो गया, अभी तो आर्थिक हो रहा था। कहते तो क्या हुआ मैम, पॉइंट तो दिया ना मैंने। तो कहने का मतलब है कि इंफॉर्मेशन को अगर अच्छे से यूज नहीं करोगे तो उसका महत्व वहीं खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं भावनाओं पे थोड़ा सा नियंत्रण रख के चलना चाहिए, हर चीज खुले मैदान में नहीं छोड़ देनी चाहिए। पत्ते भी हिसाब हिसाब से खोलो कि सामने वाले में थोड़ी जिज्ञासा बनी रहे, अब ये आने वाला है, अब वो आने वाला है। नहीं तो थिंकर कहेगा, वो एग्जामिनर कहेगा कोई दिक्कत नहीं, इसका तो कभी भी कुछ भी आता है। तो वो ऐसे राइटिंग नहीं होती है। फिल्टर दी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, और मैं जानती हूं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हमें महारत हासिल है। ऐसे नहीं है जेरोक्स की शॉप्स चल रही हैं, हमने हर तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है। मजाले कोई छूट जाए, अगर किसी ने लास्ट मोमेंट पे बता दिया कि तुमने उस कोचिंग का साइंस एंड टेक का नोट नहीं पढ़ा, वो बहुत अच्छा था, भले ही अगले दिन एग्जाम में रात में जाके खरीद के लाएंगे, पर वही पॉइंट है, आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, बट किसको कहां कितना इस्तेमाल करना है वो हमें नहीं पता होता। अगर आप वो जान लोगे, ऐसे राइटिंग में कुछ इतना मुश्किल है नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आती है वो है मल्टी डायमेंशनल होना मैंडेटरी है। ये एक ऐसी चीज है जिससे आप पीछे नहीं हट सकते। आप एक यूनिडायमेंशनल ऐसे नहीं लिख सकते चाहे जो कुछ हो जाए, क्योंकि अगर उन्हें इतना ही यूनिडायमेंशनल लिखवाना होता वो ऑलरेडी लिखवा चुके हैं। आपने हिस्ट्री लिख दी है, पॉलिटी लिख दी है, इकोनॉमी लिख दी है, एथिक्स लिख दी है। वो ये चाहते हैं कि जो कुछ आपने सीखा है, जैसा आपने सीखा है, आप उसको किस हद तक अप्लाई कर पा रहे हैं, इस बात का ये टेस्ट करता है। तो बेसिकली वो ये टेस्ट कर रहा है कि आप कितने ज्यादा मल्टी डायमेंशनल है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप किस हद तक अपनी नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हैं, या अपनी नॉलेज को एप्लीकेशन बेस्ड बना पा रहे हैं, इस बात का टेस्ट आपका ऐसे राइटिंग करता है। ये सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर मैं देखती हूं, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूं, अगर कोई भी फैक्चुअल ऐसे आ जाता है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गया, स्पेस टेक्नोलॉजी आ गया, तो उसमें हमारी टेंडेंसी होती है कि हमें फिर विजन की बुकलेट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पेपर में छपी हुई है। जितना भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, एज इट इज आप वो करंट अफेयर्स जाके ऐसे में लिखाते हैं। और अक्सर मैंने देखा है लोग कोशिश करते हैं फैक्चुअल ऐसे लिखने की जिनका अपने करंट अफेयर्स पे कंट्रोल अच्छा होता है, पर आप पूरे ऐसे का पर्पज ही डिफीट कर रहे हैं। आपको सिर्फ वहां पर करंट बेस्ड इंफॉर्मेशन जाके नहीं लिखनी है, आपको एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से उस पेपर को हैंडल करना है, उस क्वेश्चन को, जिसका आप एप्लीकेशन एस्टैब्लिश कर सको, तब जाके आपको इस बात पे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? तो यहां पर बस एक पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ज्यादा फैक्चुअल ऐसे मत लिखिएगा। फैक्ट्स लिखने की भी एक रीजन होता है कि हम फैक्ट्स क्यों लिख रहे हैं। सबसे सिंपल चीज, अगर आज मैं आपसे कोई बात कहूं, उस बात की क्या क्रेडिबिलिटी है, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए अगर मैं आपको कोई रिपोर्ट दूं, कोई कोटेशन दूं,
कोई थिंकर का पर्सपेक्टिव दूं तो वो चीज आपको बेहतर समझ आएगी, क्योंकि मैंने जो भी तर्क दिया है मैंने उस तर्क को जस्टिफाई करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल दिया है। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स दूं तो आपको तर्क समझ आएगा, क्योंकि तर्क तो मैंने कभी आपको दिया ही नहीं, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूं। तो वही मैं कहना चाहती हूं, कभी भी आप बहुत ज्यादा फैक्चुअल ऐसे मत लिखिए, आप एक मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिखिए और हर एक डायमेंशन, हर एक आयाम पे एक एग्जाम्पल देकर उसका एप्लीकेशन सिद्ध करिए। क्लियर है ये बात? ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है, मेरे टाइम पे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि हमारे पास 3 घंटे होते थे और एक ऐसे लिखना होता था, हम मस्ताते हुए 1 घंटे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे, आधे घंटे में इंट्रोडक्शन लिखते थे और फिर 1.5 घंटे में बाकी ऐसे लिखते थे। आपको उतनी सहूलियत प्राप्त नहीं है, आपको 3 घंटे में 2 ऐसे लिखने हैं और 2 एकदम डिफरेंट टैंजेंट के ऐसे लिखने हैं जिनका आपस में कोई सरोकार नहीं है। इसलिए आपके लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। इस पे हम लास्ट में चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? और फाइनली राइटिंग स्किल, आपका जो लेखन का कौशल है ये उसको टेस्ट करता है। लेकिन कभी अगर आपने नोटिस करा हो, मैंने कहीं पे भी इसमें भाषा नहीं लिखा, मैंने ये नहीं लिखा कि ये आपकी लैंग्वेज को टेस्ट कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लैंग्वेज को टेस्ट नहीं कर रहा है। तो जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि उनकी भाषा बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट जो मैटर करता है वो आपका नॉलेज है और उस नॉलेज को आपने कैसे प्रेजेंट किया है। अगर भाषा पे कमांड होगा तो वो सोने पे सुहागा वाली बात है कि वो और अच्छा हो गया, कहते नहीं आइसिंग ऑन द केक वाली बात है कि आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे बस। लेकिन अगर भाषा पे उतना कमांड नहीं है तो उससे भी बिल्कुल मतलब ऐसे चिंतित होने वाली कोई भी बात नहीं है, हम उसमें थोड़ा बहुत सुधार ला सकते हैं। सुधार लाने से मेरा मतलब है कुछ बेसिक चीजें जिनका आप ध्यान रखोगे। पहली बात, आप फॉर्मल लैंग्वेज में लिखोगे। फॉर्मल लैंग्वेज से मेरा मतलब है मोदी ने ऐसा कहा था, मोदी ने वैसा कहा। अरे यार, मोदी जी हैं, आपके प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा था या मोदी जी ने इस बारे में ये चर्चा करी थी, इस तरह से करने की कोशिश करोगे। एक फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर, आगे चल के प्रशासक बनने वाले हो तो लैंग्वेज में एक तरह की गरिमा का होना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज की टोन को ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, वो थोड़ा सा खराब इंप्रेशन आ जाता है। 1-2 इधर उधर चलता है भाई, जल्दबाजी में लिख गए, हो गई गलती, उतना चलता है, बट स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। थोड़ा व्याकरण ग्रामर वगैरह का ध्यान रखना, उसकी गलतियां नहीं होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा राइटिंग बहुत सुंदर तो नहीं बट इतनी होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ आ जाए। बस कीड़े मकोड़े मत रेंगाना पेपर में, बाकी सब चलेगा। कोई बहुत सुंदर हैंड राइटिंग की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, कोई आपको राइटिंग स्कॉलर नहीं बनाना उन्हें, बस इतना लिख देना कि जो लिखना चाह रहे थे वो सामने वाला पढ़ सका, बस इससे ज्यादा आपसे कोई उम्मीद नहीं। बस ये सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना और यही आपका निबंध में टेस्ट होता है। आपका ज्ञान, उस ज्ञान को कितना सरल पूर्वक आप प्रेजेंट कर रहे हो, आप विषय के प्रसंग के कितने समीप हो, बस यही चीजें वो देखने की कोशिश करते हैं। किस हद तक आप सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन को एकदम सही टाइम पर सामने ला रहे हो वो चेक किया जाता है। ये देखते हैं कि कितना ज्यादा आपने ऐसे को मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से डील करा है। मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कैसे ली जाती है, क्योंकि एक जनरल जो अप्रोच हमारे मन में है वो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बस एक यही चीज आती है हमें लिखना कि सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक डायमेंशन से लिख दो, बस ऐसे हो गया। अरे यार, हर ऐसे इस डायमेंशन से नहीं लिखा जाता है। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह आप विभिन्न तरीकों से अपने ऐसे को मल्टी डायमेंशनल बना सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी तर्क दोगे उसका एग्जाम्पल देना मैंडेटरी है, नहीं तो फिर आपके आर्ग्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। आप हो कौन? आपने अगर कोई आर्ग्यूमेंट दे भी दिया है तो उसकी क्या गारंटी है? जब कोई एग्जाम्पल देके समझाओगे कि वो आर्ग्यूमेंट क्यों दिया गया है तभी ना उसकी कोई वैल्यू होगी। तो हर एक अप्रोच के साथ उसका एप्लीकेशन देना मैंडेटरी है। समय में ऐसे लिखना बहुत जरूरी है। ये मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि हर इंसान पहला ऐसे तो बहुत अच्छा लिख जाता है लेकिन दूसरे ऐसे के लिए उसके पास समय नहीं बचता, तो ओवरऑल आपका स्कोर वापस बिलो एवरेज आ जाता है। इसलिए जरूरी है कि दोनों ऐसे को समान रूप से आप समय देकर अच्छा ऐसे तैयार करो। क्लियर है? और फाइनली राइटिंग स्किल, फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा ऐसे लिखने की कोशिश हम करेंगे।
क्लियर है ये? तो उद्देश्य सबको क्लियर हो गए कि किस पर्पस से हम निबंध लेखन करने आए हैं, ठीक है? आज एक सेकेंड हाफ ऑफ दी एसे सेशन में हम एक वर्कशॉप करेंगे, एक टॉपिक मैं आपको दूंगी कि हम जितनी भी चर्चा कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन कैसा आ रहा है, ठीक है? तो चलो फिर हम नेक्स्ट डील करते हैं कि एक अच्छे एसे की क्वालिटीज क्या हैं, एक अच्छे एसे में क्या गुण होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक तरीका बताती हूं, ये कुछ बेसिक क्वालिटीज होती हैं एक अच्छे एसे की। मैं सिर्फ आपको ये डायग्राम नहीं दे रही हूं, हम हर एक बात पे विद एग्जांपल चर्चा करेंगे कि बेसिकली ये है क्या। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी एक अच्छे एसे में, देखिए नॉर्मल एसे आप कैसे भी लिख सकते हो लेकिन एक अच्छे एसे में ये सारी क्वालिटीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ही मुश्किल टास्क है, अगर थोड़ी प्रैक्टिस की जाए तो ये बहुत नेचुरली आपको आ जाएगा। इसमें कोई ऐसा तियां पाच करने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से किया जा सकता है। बस एक एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है ओरिजिनैलिटी। मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल ऐसे, एक अच्छा ऐसे आप किसी भी तरह से लिख सकते हो लेकिन एक बेहतरीन ऐसे लिखने के लिए थोड़ा ओरिजिनल होना जरूरी है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। इस बार का एक सिलेक्टेड कैंडिडेट है जिनको ऐसे राइटिंग में 165 मार्क्स मिले। 165 गुड इनफ मार्क्स है, है ना, 250 में से, ठीक है। उन्होंने टॉपिक उठाया था, वो जो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट वाला टॉपिक आया था, उन्होंने वो टॉपिक उठाया। यूजुअली ऐसा होता है कि टॉपिक आपके सामने दे रखा है और विषय सबके लिए समान है, विषय का कॉन्टेक्स्ट भी सबके लिए समान है, प्रसंग, लेकिन विषय की जो थीम है, जो कोर उसकी थीम है, वो आप अपने अनुसार पकड़ सकते हो। एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट को वो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है जिनके 165 नंबर आए, उन्होंने इस तरह से शुरुआत करी कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। कहने का तात्पर्य यह है कि वाटर एक सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है और अगर वो रिसोर्स चला जाएगा तो अपने आप लोगों के बीच में तकरार हो जाएगी या कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने इस पूरे एसे को लिखने के लिए जो थीम पकड़ी वो अलग थी, वो ओरिजिनल थी। उन्होंने थीम ये पकड़ी कि जो वाटर है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और क्योंकि हमने उसे सही तरीके से उपयोग नहीं करा इसलिए पानी की कमी हो गई और पानी की कमी होने की वजह से स्टेट्स आपस में लड़ रहे हैं और फिर उन्होंने इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ऐसे लिखा। आप मतलब समझे कि थीम आप अपने अनुसार चुन सकते हैं। टॉपिक वही है इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट लेकिन उसने थीम जो पकड़ी वो उससे ऊपर थी कि पानी अपने आप में बहुत स्केर्स रिसोर्स बन चुका है।
सही है ये बात, इसे कहते हैं ओरिजिनल थिंकिंग। वही मैं दूसरा आपको एग्जांपल देती हूँ जिनके 176 मार्क्स आए, जिस लड़की के आए हैं उनका इस बार सिलेक्शन हो गया है, तो 176 मार्क्स जिनके हैं, उन्होंने टॉपिक उठाया वो जो नहीं था कि इफ डेवलपमेंट इज नॉट एंजेंडर्ड, कि स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को अगर सम्मिलित नहीं करेंगे तो विकास आपका संकटग्रस्त हो जाएगा। तो इस पे उन्होंने ऐसे लिखा, और उनकी ओरिजिनल थिंकिंग ये थी कि विकास दिया हुआ है, कौन सा विकास, कैसा विकास, ये कहीं क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो उन्होंने विकास की जो परिभाषा दी उसमें उन्होंने एक नया नजरिया डालने की कोशिश करी। जैसे उन्होंने अपने निबंध की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करी। उन्होंने बताया कि एक माँ बेटी थे, माँ के पास हर वो रिसोर्स संसाधन थे जिससे वो अपनी बेटी को एक अच्छा जीवन दे सकती थी। माँ बाहर जाके काम करती थी, कमाती थी, घर पैसा लाती थी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद वो अपनी बेटी को एक अच्छा जीवन नहीं दे पाई, क्योंकि वो पैसा तो कमा रही थी, सरकार ने उसे पैसा कमाने के अवसर भी दिए थे, लेकिन वो कमाए हुए पैसे को खर्च कैसे करना है ये अधिकार उसके पास नहीं थे। तो अब उसने फिर सवाल पूछा, तो विकास क्या है? संसाधन प्राप्त करने के जरिए को विकास कहते हैं या उसे यूज करने के अधिकार को विकास कहते हैं? और फिर इससे उसने अपने ऐसे की शुरुआत करी। तो कहने का मतलब यह है कि टॉपिक तो सबके लिए सेम है, कॉन्टेक्स्ट भी सबके लिए सेम है, लेकिन उसको कितना ओरिजिनल बनाकर आप लिख सकते हो उसके आपको मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सब एक समान ओरिजिनल हो सकते हैं, भाई किसी में थोड़ी कला होती है ओरिजिनल होने की, तो उसके लिए इतनी माथापच्ची नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, हो पाए अच्छी बात है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी मेंस लिख रहे हैं, 13 दिन में ओरिजिनल होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादा रिस्क मत उठाना, लेकिन जो अगले साल लिख रहे हैं आप थोड़ी प्रैक्टिस करिए, ओरिजिनैलिटी आने में इतना समय नहीं लगता है। क्लियर है ये बात? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर बेहतरीन ऐसे लिखना चाहते हो थोड़ा इनोवेशन करना पड़ेगा, ऐसे को अप्रोच करने के तरीके को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो दूसरा आता है वो है ये, ने इसीलिए मैंने कहा था फैक्चुअल ऐसे मत लिखिएगा, टॉपिक फैक्चुअल उठा लीजिए लेकिन उसको फैक्चुअल तरीके से मत लिखिए, क्योंकि ऐसे का तो पर्पज ही है एनालाइज करना। अगर आप उसका विश्लेषण नहीं करेंगे तो फिर ऐसे लिख क्यों रहे हैं? फिर तो आपके चारों पेपर को मिला देते हैं, ऐसे तैयार हो गया। तो इसलिए जो भी टॉपिक उठाइए, टॉपिक ये सोच के उठाइए कि आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं या नहीं। इसका एक कारण बताती हूं। बहुत बार क्या हुआ, जैसे पिछली बार ये विमेन वाला टॉपिक आ गया, डेवलपमेंट एंड जेंडर्ड वाला, कुछ जनता ने लिखा और कुछ ने ये छोड़ के नहीं लिखा कि बाकी सारी जनता इस टॉपिक को लिख रही होगी। ये होता है ना कि जब कोई आसान सा टॉपिक होता है तो सबसे पहले मन में बात आती है, नहीं यार ये टॉपिक नहीं लिखेंगे, सब लोग इसी पे लिख रहे होंगे, कुछ नया लिखने की कोशिश करते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आपकी तरह बाकी सब भी यही सोच रहे हैं कि सब लोग इस पे लिख रहे होंगे इसलिए इसको नहीं लिखते हैं। तो अंत में ऐसा होता है कोई उस टॉपिक के लिखता ही नहीं है। सो पॉइंट यहां पे ये है कि टॉपिक चूज करते वक्त इस बात को ध्यान में रखो कि उसका विश्लेषण करने के सक्षम हो या नहीं हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बाकी कौन सी जनता उसको लिख रही है, बाकियों से क्या लेना देना है तुमको, बल्कि अच्छा है सब उसी पे लिखें। अगर तुमने थोड़ा अच्छा लिखा होगा तो रिलेटिवली तुम्हारा ऐसे और अच्छा हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है टॉपिक चूज करते वक्त इस बात का ध्यान रखो कि वो टॉपिक चूज करो जिसका विश्लेषण आप अच्छे से कर सको। और विश्लेषण करने के दो तरीके होते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हो। एक विश्लेषण का तरीका ये होता है कि सपोज करो ये मेरा टॉपिक है, मैंने इसको 10 डायमेंशन से एनालाइज किया, क्योंकि जब मैं बहुत सारे डायमेंशन उठाती हूं तो इसका मतलब है हर डायमेंशन को मैं डिटेल में तो नहीं लिख पाऊंगी, तो मतलब ऊपरी स्तर पे मैंने इसका विश्लेषण कर दिया। दूसरा तरीका होता है कि गिनती के 4 या 5 पैरामीटर्स उठाओ लेकिन उसको थोड़ा डिटेल में उसका विश्लेषण करो। तो ये दो तरीके जो आपको सूट करें। देखो यार हर इंडिविजुअल अलग है, एक बात मैं फिर से रिपीट करती हूं, कोई भी एक मेथड बेस्ट नहीं होता, लेकिन कोई एक मेथड है जो आपके लिए बेस्ट है, आपको बस वो पहचानने की जरूरत है। आप सब लोग, जितने लोग यहां मौजूद हैं, सबकी कमजोरी और सबकी स्ट्रेंथ अलग है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे डायमेंशन से एक इशू को देखने के सक्षम हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो एक इशू को बहुत सारे डायमेंशन से नहीं देख सकते, वो मुश्किल से 4-5 डायमेंशन से देख पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी को थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लो। कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें फैक्ट्स एकदम टिप्स पे याद होते हैं,
कुछ ऐसे हैं जिनको याद ही नहीं होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम सब अलग हो, सबकी अपनी स्ट्रेंथ है, वीकनेस का रोना लेकर मत बैठो यार, मेरी राइटिंग बहुत खराब है यार, मेरे हिंदी लैंग्वेज पे अभी उतना कमांड नहीं है, वो बगल वाला की तो हिंदी लैंग्वेज ही ऐसी है कि समझ में ही नहीं आती, इतनी बड़ी मतलब भारी भारी शब्द लिख कर आता है यार। एक सिंपल सी बात है, कम से कम तुम लोगों की उम्र 21 वर्ष है, जो बात तुम 21 वर्षों में न सीख पाए वो तुम अब क्या सीखोगे, तो उसको छोड़ो, जो नहीं आता है उसका रोना डंका मत पीटो, जो तुम्हें आता है उसको इतने अच्छे से इस्तेमाल करो कि वही तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाए। तो ये ध्यान रखना कि तुम्हें एनालिसिस करना है, कैसे करना है ये तुम्हारी नॉलेज पे डिपेंड करता है, क्लियर है। एक सिंपल सी बात बताती हूं, तुम्हें कितनी नॉलेज है ये सिर्फ तुम्हें पता है, कभी एग्जामिनर को यह मत पता चलने देना कि तुम्हें क्या नहीं आता है, उसको कैसे पता कि तुमने इतने डायमेंशन इसलिए डिस्कस करें क्योंकि तुम्हें डिटेल नहीं आती थी, या उसको कैसे पता कि तुमने कम डायमेंशन इसलिए डिस्कस करें क्योंकि तुम्हें बाकी नहीं आते थे, उसको पता ही मत चलने दो, यही तो ट्रिक होती है। तो इसलिए उतना लिखो जितना तुम्हें आता है और जो तुम सही तरीके से लिख सकते हो, क्लियर है ये बात, विश्लेषणात्मक का मतलब क्लियर हो गया, ठीक है। अगले दो टॉपिक्स, ये पॉइंट्स हम एक साथ लेंगे, अगर आप देह को ध्यान से, दोनों आपस में मेल नहीं खाते, एक तरफ मैं आपसे कह रही हूं कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करो और दूसरी तरफ मैं आपसे कह रही हूं थोड़े से स्पेसिफिक हो जाओ। उसका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पॉइंट उठाते हो, कोई भी मुद्दा उठाया, उसको एक्सप्लेन करो कि वो मुद्दा तुमने क्यों उठाया, क्लियर है, उस मुद्दे का जो विषय दिया गया है निबंध का उससे क्या लेना देना है, तो ये तो तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन जब तुम अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहे हो तब तुम्हें बहुत विशिष्ट होने की जरूरत है, स्पेसिफिक होने की जरूरत है, ये नहीं कि तुम पूरे जहां की कहानी समझाकर फिर उस बात तक आ रहे हो, इससे क्या होगा तुम कम बातें भी लिख पाओगे और उसका कोई इतना महत्व नहीं होगा। एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ, सपोज करो RTI सबको पता है ना, अब सपोज करो RTI पे कोई ऐसे हुआ जिसकी शुरुआत में मैं चाहती थी एक छोटी सी कहानी लिखना, तो मैंने एक कहानी से शुरुआत करी और मैंने बताया कि एक आदिवासी था, तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक कार्यशाला चल रही थी RTI को लेकर, उसने वो अटेंड करी और वो उससे बहुत प्रभावित हुआ, उसको लगा ये तो बहुत अच्छा टूल है पार्टिसिपेशन का, तो उसने वापस जाके देखा कि उसके गांव में कुछ 10 कुएं खुदवाने थे, लेकिन देखा क्या एक भी कुआं नहीं खुदवाया गया, तो उसने तुरंत RTI फाइल करी और बोला कि मेरे गांव में 10 कुएं खुदवाओ। वहां से उसको बहुत धमकियां मिलने लग गई, क्योंकि काम तो कोई करना नहीं चाहता था, तो धमकियां मिलने लग गई, लेकिन वो डरा नहीं, तो फिर एक दिन मजबूर होके प्रशासन से कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि भाई तुम बताओ, वसावा, वसावा नाम था उसका, कि तुम्हारे घर में कहां कुआं खुदवा दें। उसने कहा नहीं नहीं मेरे घर में नहीं खुदवाना है, जो कहा गया है वैसे ही करना है, अगर 10 कुएं कहे गए हैं तो आपको 10 कुएं ही खुदवाने हैं। और इससे देखा गया कि किस प्रकार RTI से जो सोशल पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से लागू हुआ, क्लियर है। तो इस कहानी की शुरुआत से मैं बताना चाहती थी अपने ऐसे में कि RTI किस तरह से प्रभावशाली रहा है देश में जनतंत्र को स्थापित करने में, क्लियर है। मैंने एक्सप्लेन भी करा और मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात कही। अब यही मैं सेम इस कहानी को ऐसे लिखती, एक वसावा हुआ करता था, वो बहुत दुखी रहता था, उसके गांव में पानी नहीं था, जिस कारणवश वो अपना एग्रीकल्चर ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पाता था, बट एक दिन उसके जीवन में बदलाव आया और वो एक दिन जाके उसने कार्यशाला अटेंड करी। भाई आप क्या कर रहे हो, मुद्दा तो बहुत बाद में आएगा, एग्जामिनर कहेगा ऐसे है या स्टोरी राइटिंग है। कहने का मतलब इसलिए बोल रही हूं ये बात, मैंने किसी को सजेस्ट किया था क्लास में कि शॉर्ट स्टोरीज लिखा करो, भारी पड़ गया, क्योंकि फिर पढ़ना मुझे ही पड़ा, क्योंकि ऐसे क्या था वो तो गया, फिर तो पूरे ऐसे में सिर्फ स्टोरी थी। तो पॉइंट कहने का ये है कि अगर एक्सप्लेन कर रहे हो तो थोड़े विशिष्ट रूप से, स्पेसिफिक रूप से अपनी बात कहो, ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्लियर है ये दो पॉइंट्स, ठीक है। कंप्लीटनेस, संपूर्णता, इसका एक मतलब बताती हूं क्यों। कभी कभी कुछ लोगों का तरीका होता है ऐसे लिखने का कि जो प्रस्तावना होता है इंट्रोडक्शन, उसमें वो सवाल प्रश्न पूछते हैं, एक तरीका होता है ना ये कि आपने प्रश्न पूछे और फिर आपने उसके उत्तर दिए अपने पूरे निबंध में। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, उनमें से एक तरीका होता है क्वेश्चंस पूछने का। कभी कभी क्या होता है, इंसान का सारा जोश इंट्रोडक्शन लिखने में निकल जाता है, क्योंकि वो पहली चीज होती है, आप लिख रहे होते हो एकदम चार्ज्ड अप होते हो, इस बार तो मुझे मेंस क्लियर करना है, IAS बनना है, माँ बाप के सपने पूरे करने, ये सब पेपर की शुरुआत में होता है, क्योंकि अंत तक ये हो जाता है कि कोई बात नहीं अगला साल का भी अटेम्प्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप पेपर की शुरुआत करते हो तो बहुत जोश में होते हो, तो आप इंट्रोडक्शन में ना बहुत सारे सवाल पूछ लेते हो,
ये अगर डेवलपमेंट वाला ही अगर हम ऐसे उठा लें तो विकास क्या है, क्या उसमें स्त्री पुरुष के सरोकारों को समान रूप से शामिल किया गया है, और अगर नहीं किया गया है तो क्या हो रहा है, और ऐसे करके आपने 8-10 सवाल बना दिए। जब आप उस एक एक सवाल का आंसर करने लगे तो छठे तक आते तक आपको रियलाइज हुआ कि दूसरा ऐसे लिखने का समय अब नहीं रहा। तो फिर आप सोचते हो कि छोड़ो यार, एग्जामिनर भी क्या डिटेल में पड़ेगा, 3-4 क्वेश्चन खा जाते हैं। तो पूछे तो कुछ 8-9 क्वेश्चन थे, जवाब 5-6 का दिया और फिर सीधे कंक्लूजन पर आ गए। आपको लगा कि आप सरक लिए, ऐसे नहीं ना, वो एग्जामिनर है, पैसे मिल रहे हैं, वो भी ढंग से चेक करेगा। सो पॉइंट ये है कि जब कोई चीज शुरू करो तो उसे खत्म करो, अगर कोई मुद्दा उठाया है तो उसे खत्म करो, वरना उठाओ ही मत। अगर प्रश्न नहीं भी पूछते हो, मुद्दा तो उठाते हो ना, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, अगर कोई मुद्दा उठाया है तो उसे कंप्लीट करो, वरना इसका इंप्रेशन बहुत खराब पड़ता है। इससे यह पता चलता है कि आपको उस बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। क्लियर है ये बात? ठीक है, इन दो पे चर्चा हम कर चुके कि कंसाइज होना चाहिए और थोड़ा सा कोहरेंट होना चाहिए। मतलब कोहरेंट से मेरा मतलब है कि एक फ्लो में आना चाहिए कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। अगर आप कुछ चीज नोटिस करो, आज जो हम ऐसे का डिस्कशन कर रहे हैं, हमने शुरुआत करी उसके इंपॉर्टेंस से, फिर हमने बात करी उसके सिलेबस पे, अब हम बात कर रहे हैं ना व्हाट व्हाई एंड हाउ, फिर हम एक एग्जांपल लेंगे। आपको मतलब समझ आया? एक कोहरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर सबसे पहले मैं एग्जांपल उठाती, उसके बाद मैं आपको बताती ऐसे राइटिंग क्या है, और फिर मैं लास्ट में जाके बताती कि यूपीएससी आपसे क्या उम्मीद करता है, तो कोहरेंस ब्रेक हो जाता ना। एक फ्लो में होना चीजों का बहुत जरूरी है, सामने वाले को भी समझ आता है कि आपको क्लैरिटी है कि आप क्या कहना चाहते हो। क्लियर है ये बात? ठीक है, हम इस पे चर्चा कर चुके कि रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है, लेकिन इससे एक रिलेटेड टॉपिक है, इस पे मुझे आपसे बात करनी थी, वो है साइन पोस्टेड, जिसे हम दिशा सूचक भी कहते हैं। आप में से कितने हैं जिन्होंने स्कूल में मैथ्स पढ़ी है? सभी ने पढ़ी है? अरे वाह। अच्छा एक बात बताओ, थ्योरम वगैरह करें? करें। थ्योरम के लास्ट में टीचर बोलती थी ना लिखने को, LHS is equal to RHS। कभी कभी एग्जाम में नहीं आता होता था तो हम शुरुआत कहां से करते थे? LHS is equal to RHS। और फिर अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे हो अगर आपने नहीं किया है, मैंने तो किया है। कभी कभी क्या होता था, लास्ट मोमेंट पे याद ही नहीं आ रहा होता था, तो सोचे करते थे कि पहले LHS is equal to RHS लिख लें, बीच में झोल झपाटा कर लेंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते थे कि एग्जामिनर हर चीज शायद डिटेल में नहीं पढ़ रहा है। तो एक LHS is equal to RHS एग्जामिनर को इंप्रेशन दे रहा है कि इस बंदे ने प्रूफ कर दिया है। कहने का मतलब है, कभी कभी लिखते वक्त आपको नहीं पता चलता और आप दिशा से भटक जाते हो। कभी आप बहुत फ्लो में लिख गए, जो क्वेश्चन पूछा है उससे लिंक नहीं बैठ पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लिंक बिठाने में कितना टाइम लगता है। जैसे ही पैराग्राफ खत्म हो रहा हो, बस एक लाइन ऐसी डाल देना जिससे ये पता चल जाए कि जो तुमने लिखा है ना वो उसी विषय से लिंक्ड है, उसे कहते हैं दिशा सूचक होना। अपने आप, उसके अलावा जो मैंने जितनी भी बड़ी बड़ी बातें करी है ना, कोहरेंस और कंसाइज, भाड़ में गया, ये सब ऐसे ही हो जाएगा। पर ये नहीं कि इसको पहले करूं, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये लास्ट में अपनाएंगे। पता चला पहले से शुरुआत कर दी, लिखा जोखा कुछ भी और एक लाइन डाले जा रहे हैं, इतना भी बेवकूफ नहीं है सामने वाला। लेकिन कहने का मतलब है, अगर कहीं फंस जाओ तो ये सबसे आसान तरीका होता है, हर पैराग्राफ के बाद एक ऐसी लाइन डाल दो जिससे लिंक बैठ जाए कि जो टॉपिक पूछा गया था आपने उसी को आंसर किया है। क्लियर है? इसे कहते हैं दिशा सूचक होना, ये आपको मददगार होता है अपने प्रसंग के समीप रहने के। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलो अब हम चर्चा करते हैं कि आप एक अच्छा ऐसे कैसे लिख सकते हो। अभी तक तो हम सिर्फ थ्योरी की बात कर रहे थे, अब थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करते हैं कि ये सब हम लिखेंगे कैसे। किसी भी ऐसे में ये 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। आपके अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। पक्का?
देखो यार, दो चीजें हैं, एक पहला इंप्रेशन है और दूसरा आखिरी इंप्रेशन है। पहला इंप्रेशन पढ़ के एग्जामिनर मन बनाता है कि कितने दे सकते हैं, लेकिन निष्कर्ष पढ़ के मन बना लेता है कितने देने हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अच्छा लिखा है तो आधी जंग तो वहीं जीत चुके हो। कंटेंट तो भगवान भरोसे भी चल सकता है, नहीं ऐसे भगवान भरोसे मत चलाना, पढ़ाई करके चलाएंगे। बट कहने का मतलब यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है। देखो पहली चीज, इंट्रोडक्शन पढ़कर सामने वाले को ये आइडिया लग जाता है कि आप इस टॉपिक को कैसे अप्रोच कर रहे हो, क्लियर है, और आपने कुछ एक उम्मीदें बांध दी होती हैं एग्जामिनर के साथ। कंक्लूजन पढ़ के उसे यकीन हो जाता है कि आप उस उम्मीदों पे खड़े उतरे हो या नहीं उतरे हो, तो उसके बाद वो आपको मार्क्स दे देता है, क्लियर है। एक जनरल आइडिया, इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं, कैसा इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, आप कैसी उम्मीद करते हो, कैसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्या रोचक, अच्छा एंटरटेनिंग, अच्छा ठीक है रोचक होना चाहिए, मान लिया। और कुछ, क्या क्या स्टोरी हो सकती है, नहीं वो लिखने का तरीका है, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन ये कह रहे हैं स्टोरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वो तो लिखने का तरीका है। लिखना क्या है वो, फाइन फाइन, एक जनरल आइडिया दे सकते हो, एक कंसाइज रूप में ये बता सकते हो कि बाकी ऐसे में करने क्या वाले हो, मेक सेंस। और कुछ, हाँ ये सही था, मतलब आई लाइक दैट। उद्देश्य, पर्पस ऑफ राइटिंग दी एसे, दिस पर्टिकुलर एसे, मेक सेंस। और कुछ, देखो यार जो बातें आपने बोली, हाँ बोलो। ब्रिलियंट, सबसे सिंपल शब्दों में आपको अपने इंट्रोडक्शन में फ्रेमवर्क देना है। फ्रेमवर्क कैसे दोगे ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे देखे हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका हिस्ट्री पे बहुत कमांड होता है, तो वो क्या करते हैं, वो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन से वो टॉपिक शुरू कर देते हैं कि एंशियंट में क्या था, मिडिएवल में क्या था, ब्रिटिशर्स के टाइम क्या था, पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम क्या था, और वो ये मान लेते हैं कि ये इंट्रोडक्शन है। ये कहां से इंट्रोडक्शन हुआ, ये तो बॉडी है, इंट्रोडक्शन कहां गया। तो और या फिर मैंने कभी किसी को बोला कि आप कोटेशन से शुरुआत कर सकते हैं, तो उन्हें लगता है कोटेशन लिख दो इंट्रोडक्शन हो गया। वो कोटेशन लिखी है आपने, वो इंट्रोडक्शन नहीं है। इंट्रोडक्शन क्या होता है, फ्रेमवर्क, ये देना बहुत जरूरी है। आप आगे ऐसे में क्या करने वाले हो, इस बात की जानकारी देना एग्जामिनर को, उसका काम करता है इंट्रोडक्शन। मूवी देखते हो, मूवी की ट्रेलर आता है, ये ट्रेलर है, कि ट्रेलर में उतना ही दिखाओ कि जिज्ञासा बनी रहे, इतना भी मत दिखाओ कि मूवी देखने ही ना जाए। सो आप समझ गए क्या करना है इंट्रोडक्शन में, उतना ही फ्रेमवर्क दो जितने में उसमें वो जिज्ञासा जागे कि आगे क्या पढ़ना है। पूरा ऐसे ही समरी फॉर्म में लिखकर मत आ जाना इंट्रोडक्शन में, फिर आगे पढ़ने की जरूरत क्या पड़ेगी। तो कहने का मतलब होता है ट्रेलर डिसाइड करता है कि मूवी में फर्स्ट शो हाउसफुल जाएगा या नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब है जितना अच्छा रोचक इंट्रोडक्शन दोगे, उतना ज्यादा चांसेस हैं कि एग्जामिनर आगे पढ़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रेमवर्क लिखो, ठीक है, एक ब्रीफ आइडिया दो अबाउट द थीम। मैं ऐसे के टॉपिक की बात नहीं कर रही हूं, मैं ऐसे की थीम की बात कर रही हूं। हम धीरे धीरे प्रैक्टिस जब करेंगे ना, हम दोनों में समझ जाएंगे कि टॉपिक और थीम में क्या डिफरेंस होता है। अभी हमने दो एग्जांपल्स दिए थे, ठीक है, वही डिफरेंस है टॉपिक और थीम में। तो आपको आइडिया देना है अपने थीम के बारे में, आपको अपना फ्रेमवर्क बताने की जरूरत है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी प्रस्तुति है, जो आपका प्रेजेंटेशन है, इट नीड्स टू बी, जैसा उनके शब्दों में कहें तो रोचक होना चाहिए, कैप्टिवेटिंग। ये तीन चीजें हैं जो आपके इंट्रोडक्शन को अच्छा बनाती हैं। सबसे पहली चीज, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दोगे अपने एसे के बारे में, एक थोड़ी सी जानकारी दोगे कि तुमने थीम क्या चुना है उस एसे को लिखने के लिए, और फिर आप जितने इंटरेस्टिंग और कैप्टिवेटिंग रोचक तरीके से अपने एसे को लिख सकते हो, उतने ज्यादा आप अपने लिए अंक अर्जित कर पाओगे। अब आता है कि लिखें कैसे, इंटरेस्टिंग बनाए कैसे, बहुत तरीके हैं। मैं आपको कुछ छह सात तरीके बताती हूं, और फिर मैं ये कहती हूं कि जो तरीका आपके लिए
सबसे सूटेबल हो आप वो तरीका चुन लेना, क्योंकि कोई भी एक तरीका बेस्ट नहीं है, बट कोई एक तरीका है जिसमें आपको महारत हासिल होगी। तो तरीके बहुत होते हैं, जैसे सबसे पहला और सबसे आसान तरीका होता है कि विषय का विखंडन करना, जिसे कहते हैं डीकंस्ट्रक्शन, विषय का विखंडन। ये आधी जनता यही करती है कि अगर एक विषय दिया है उसमें चार शब्द हैं तो चार शब्दों को तोड़ के उनकी डेफिनेशन दे दो और फिर आगे तो देखा जाएगा, कुछ ना कुछ तो लिंक हो ही जाएगा। कोई बुराई नहीं है इसको करने में, ये सबसे आसान तरीका है और आधी से ज्यादा लोग ऐसा करते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप अच्छे से अपने विषय का विखंडन करते हो, उसको डीकंस्ट्रक्ट करते हो और हर एक पहलू को अच्छे से डिस्कस करते हो, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ये एक तरीका है इंट्रोडक्शन लिखने का। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट तरीका जो होता है, कोटेशंस लिखने का। देखो ये सबके बस की नहीं होती, क्योंकि बहुत बार कोटेशन याद ही नहीं आती, आधा समय तो कोटेशन को याद करने में लग जाता है और बाकी आधा वहां पे लिखने में लग जाता है, क्योंकि याद तो आ ही नहीं रही होती है और फिर कुछ की कुछ लिख कर आते हैं, कभी कभी दो तीन मिलाकर भी लिख कर आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये, अगर याद होती हो तो करना, नहीं होती हो तो बस ये एक तरीका है, इसमें इतना ज्यादा माथापच्ची नहीं करना, ठीक है। लेकिन अगर इंटरेस्टेड हो तो कुछ बेसिक टॉपिक्स होते हैं उस पर कोटेशन तैयार कर लो, जैसे पावर्टी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, विमेन है, ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जिन पे ऐसे, एजुकेशन है, इनोवेशन है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे ऐसे आने के चांसेस होते हैं। तो कुछ बेसिक टॉपिक्स पे आप पहले से एक कोटेशन की बुकलेट तैयार कर सकते हो। ये टीना दाबी करती थी, ये उसका तरीका था। वो हमेशा हर कुछ मतलब गिने चुने टॉपिक्स पे हमेशा कोटेशंस तैयार रखती थी, क्योंकि शायद उन्हें आसानी से याद भी हो जाती थी और वो उसको लिख भी पाती थी। लेकिन इसके अपने ना कुछ नुकसान भी हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई कोटेशन है जिसमें विमेन वर्ड आया हुआ है, भले वो टॉपिक से लिंक नहीं था, बट क्योंकि विमेन आया हुआ है और आपने याद किया है, तो पहले आप कोटेशन लिखते हो, फिर उसके बाद कुछ 10-12 लाइन लिखते हो उस कोटेशन को जस्टिफाई करने के लिए कि आपने वो यहां क्यों डाली। तो उतनी मेहनत मत करना, अगर कोटेशन लिख रहे हो तो वही लिखना जो रेलेवेंट हो। अगर वो आपके टॉपिक से रेलेवेंट नहीं है तो मेरी एडवाइस है कि मत ही लिखना। क्लियर है? ठीक है। एक तरीका है जो बहुत इनोवेटिव है, अगर कर पाओ तो मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं, जो लघु कहानियां होती हैं, शॉर्ट स्टोरी। ये सबसे अच्छा तरीका होता है और इसके लिए बहुत क्रिएटिव होने की जरूरत नहीं है कि आज से ही स्टोरी राइटिंग शुरू कर दें। आप सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में अगर आपने नोटिस किया हो अक्सर कहानियां आती हैं। अगर किसी भी चीज का एनालिसिस आता है तो एग्जांपल्स के साथ आता है ना, कि किस तरह से ट्राइबल्स में डेवलपमेंट लेड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो एक कहानी बता देंगे, या किस प्रकार से अफ्रीकन स्टूडेंट्स के खिलाफ शोषण हो रहा है तो एक छोटा सा कहानी एग्जांपल देके बता देंगे। वहीं से आप कहानियां उठा सकते हो, आपको खुद की बहुत इनोवेटिव कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर सारा ध्यान कहानी लिखने में चला जाता है, ऐसे लिखने में नहीं। तो शॉर्ट स्टोरी में बहुत इनोवेटिव होने की जरूरत नहीं है, जो आप न्यूज़पेपर से उठाते हो पढ़ते हो उसी को आप यहां पे लागू कर सकते हो। और अगर क्रिएटिव हो, अगर वो रचनात्मक वाला जो स्किल्स की जरूरत है वो आप में है, तो भाई इसका तो बेहतरीन उपयोग आप कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है। एक और तरीका होता है, वो भी आपके बहुत काम आ सकता है, रिपोर्ट्स और स्टेटिस्टिक्स। ये एक ऐसी चीज है जो सब पढ़ते हैं। क्लियर है? कभी कभी टॉपिक को लिखने के तरीके में शुरुआत आप इस तरह से कर सकते हो कि आप प्रिमाइस बता दो कि ये टॉपिक पूछा क्यों गया है। जैसे कि वो जो डेवलपमेंट वाला टॉपिक नहीं है, कि अगर एंजेंडर्ड नहीं है तो एंडेंजर्ड हो जाएगा, उसमें आप प्रिमाइस बता सकते हो कि किस प्रकार वो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में या जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में जो भारत में महिलाएं हैं उनका कितना स्तर पिछड़ा हुआ है। इस बात से साबित होता है कि जो हमारे यहां विकास हो रहा है उसमें महिलाओं के सरोकारों को समान रूप से शामिल नहीं किया जा रहा। इस तरह से भी शुरुआत की जा सकती। फिर आप डिस्कस कर सकते हो क्यों नहीं किया जा रहा, क्या करने की जरूरत है, अब तक क्या किया गया है और क्या करने की आवश्यकता है। आपको मतलब समझ आया जो मैं कहना चाह रही हूं? कि कभी कभी जो रिपोर्ट्स हैं, जो स्टेटिस्टिक्स हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हो। जैसे आजकल बड़ी डिबेट चल रही है कि हमारा भारतवर्ष इनटॉलरेंट हो गया है।
हो रहा है ना कि आजकल इंटॉलरेंस हर जगह फैली हुई है, तो एक बात चल रही है कि अगर आप में किसी भी तरह का डिसेंट है, डिसेंट मतलब मतभेद है, तो उस मतभेद के प्रति आपका जो व्यवहार है वो बहुत ज्यादा इंटॉलरेंट है। तो अगर ऐसा कोई टॉपिक आ जाए तो उसकी शुरुआत करने के लिए आप न्यूज रिपोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अभी गौरी लंकेश को मारा, उससे पहले कालबर्गी को मारा था, या दादरी लिंचिंग हुई, आप उन सबको यूज करके बता सकते हो कि इस टॉपिक को पूछने का मूल आधार क्या था, और फिर आप उस टॉपिक पे चर्चा कर सकते हो। ये भी एक तरीका होता है ऐसे को इंट्रोड्यूस करने का, जहां आप उसका बेसिक आधार क्या है उस विषय को पूछने का आप वो बताते हो। और वो हम कैसे बताते हैं, रिपोर्ट्स और स्टेटिस्टिक्स को कोट करके। कोई डाउट यहां तक? ठीक है। एक और तरीका होता है जो कभी फेल नहीं होता, इसकी मेरी गारंटी है, क्वेश्चंस पूछना अपने इंट्रोडक्शन में कभी फेल नहीं होता। उसके दो कारण है, हम ये सारे पैरामीटर्स को उसमें फॉलो करते हैं। हमने फ्रेमवर्क भी दे दिया सवाल पूछ के, हमने अपने टॉपिक की थीम भी बता दी सवाल पूछ के, और हमने जितने अच्छे इनोवेटिव क्रिएटिव क्वेश्चंस बनाएंगे उतना ज्यादा आपका इंट्रोडक्शन रोचक हो जाएगा। ये बात समझ आई? और इससे एक तरीका, इसमें जो एक फायदा होता है वो ये होता है, आप कभी अपने टॉपिक से भटकते नहीं हो। आपने कुछ 5-6 सवाल पूछे हैं, आप उसी क्रोनोलॉजी में वो 5-6 सवालों का जवाब देते हो, तो आपका ऐसे सीमित भी रहता है, वो इधर उधर भटकता भी नहीं है, और सामने वाले को भी वो एक क्रम में मिल जाता है। तो ये बहुत आसान तरीका होता है, बस इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आज हम जब टॉपिक डिस्कस करेंगे वर्कशॉप में तो वो हम देख लेंगे। तो क्वेश्चंस पूछना भी एक तरह का तरीका होता है। और फाइनली पैराडॉक्स, विरोधाभास। किसी ने पूछा डिफेंस एक्सपेंडिचर जो आजकल इंडिया में चल रहा है, उस पर चर्चा चल रही थी ना कि इधर उधर हम इतनी डिफेंस की डील साइन कर रहे हैं, इतना पैसा डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं, किस हद तक ये जायज है। अगर सपोज करो, मैं एग्जांपल देके बता रही हूं, अगर कोई डिफेंस एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन आ जाए या टॉपिक आ जाए, तो आप एक विरोधाभास, एक पैराडॉक्स से शुरू कर सकते हो कि एक तरफ तो हम इतनी सारी डिफेंस डील साइन कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि गोरखपुर के एक हॉस्पिटल में इतने बच्चे मर रहे हैं। आप समझे कि पैराडॉक्स, कि एक तरफ डिफेंस में खर्च करने के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो ये एक तरह का पैराडॉक्स आपने एस्टैब्लिश कर दिया। एक और तरीका हो सकता है कि एक तरफ तो हम ये बोल रहे हैं कि हम इकोनॉमिकली इतना ग्रो कर रहे हैं, वन ऑफ द प्रॉस्परस रीजन की तरह, या डेवलपमेंट विकास के पथ पर हम अग्रसर हैं, और दूसरी तरफ महिलाओं के प्रति शोषण बढ़ता जा रहा है। ये क्या है? पैराडॉक्स है। आप इस तरह से भी अपने ऐसे की शुरुआत कर सकते हो। टॉपिक पे डिपेंड करता है क्या आपसे पूछा गया है। क्लियर है? मेक सेंस? ठीक है। सो ये कुछ तरीके हैं अपने टॉपिक की शुरुआत करने के लिए। आप पे डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सा तरीका अपनाते हैं। क्लियर है? लेकिन एक और चीज, ये कोई इंडिविजुअल तरीके नहीं है, आप इनको मिक्स करके भी यूज कर सकते हो। आप कोटेशंस के साथ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, आप पैराडॉक्स के साथ एक शॉर्ट स्टोरी भी लिख सकते हो। कहने का मतलब है ये कुछ तरीके हैं, इनको मिलाकर भी यूज कर सकते हो और सेपरेटली भी यूज कर सकते हो। क्लियर है ये थे? ठीक है, चलो ये था हमारे इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष। देखो यार, निष्कर्ष के बारे में इसलिए हम चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि कुछ गलतियां हैं जो मैंने बहुत कॉमनली नोटिस करी हैं। सबसे पहली चीज जो मैं बहुत क्लियर कर दूं, निष्कर्ष समरी नहीं होती। निष्कर्ष का मतलब सार लेखन नहीं है कि जो पूरा ऐसे लिखा है उसको आपने कंक्लूजन में समराइज कर दिया। ये गलती आप कभी मत करिएगा। कंक्लूजन का मतलब समरी नहीं होती है। जो आपने ऐसे लिखा है उसके आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं, क्या कंक्लूड कर रहे हैं, ये मांगा जाता है। पूरे ऐसे की समरी नहीं मांगी जाती। तो कभी भी कंक्लूजन में सार मत लिखिएगा। क्लियर है ये बात? पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी सूरत में अपने पॉइंट्स को रिपीट मत करिएगा। ये सबसे ज्यादा खराब इंप्रेशन होता है। वैसे ही आपको 10 से 12 पेज का एक ऐसे लिखना है। किसी भी सूरत में कंक्लूजन में चाहे पॉइंट्स कम पड़ जाएं, लेकिन आप पॉइंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। बहुत बार टेंडेंसी होती है कि हम पॉइंट्स को रिपीट कर देते हैं, वो चीज आप कभी मत करिएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात,
कंक्लूजन कितना बड़ा होना चाहिए? क्या 100 वर्ड्स मैक्सिमम? एब्सोल्युटली, कम से कम 1 से 1.5 पेज। जो वो होता नहीं है कि पूरा सब कुछ लिख दिया, अब कुछ लिखने को नहीं बचा है तो लास्ट में 3-4 लाइनें लिख के कंक्लूड कर देते हैं या 4-5 लाइनें, वो जीएस का आंसर या ऑप्शनल का आंसर नहीं है, ये ऐसे राइटिंग है। ऐसे राइटिंग कंक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कम से कम आपको 1.5 पन्नों में लिखनी है। कंक्लूजन का मतलब होता है ये वो अवसर है जहां जो भी आपने ऐसे में डिस्कस किया है उसके आधार पर आप क्या समाधान सुझा रहे हैं वो आपका कंक्लूजन हो सकता है। मतलब कहने का है कि कुछ ऐसा लिखो जो कि मतलब फ्यूचरिस्टिक है, भविष्यवादी है, कुछ ऐसा लिखो जो आशावादी है। मतलब आपको ये पॉइंट्स लिखने की जरूरत है कि जो आपने डिस्कस किया वो तो सबको पता है, उसमें आपने अलग क्या किया, बट उस डिस्कशन के आधार पर जब आप कुछ समाधान सुझाते हो वो एक ऐसी जगह होती है जहां आप अपनी रचना का इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपकी खुद की रचना हो सकती है। कुछ इनोवेटिव सजेशंस आप दे सकते हो, वो आपको कंक्लूजन में देने की जरूरत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, पहली चीज कंक्लूजन समरी नहीं है, दूसरी चीज कंक्लूजन कभी भी 2-3 शब्द या 1 पैराग्राफ में खत्म नहीं होना चाहिए, कम से कम आप 1.5 पन्नों में कंक्लूजन को लिखने की कोशिश करोगे, क्लियर है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कोई नया मुद्दा मत उठाना कंक्लूजन में। अगर आप कोई नया इशू, कभी कभी क्या होता है कि लिखते लिखते कोई नया मुद्दे पे टेंजेंट पे ही चले जाते हैं और फिर याद आता है शिट ये तो कंक्लूजन था, फिर सोचते हैं अरे एग्जामिनर ध्यान नहीं देगा, चलो छोड़ो छोड़ो अगले टॉपिक पे आ जाओ। तो कहने का मतलब ये है प्लीज नया मुद्दा मत उठाना, ऑलरेडी बहुत मुद्दे हैं जिंदगी में, जो उठाए हैं उनका जवाब दो और आगे बढ़ो, कुछ भी नया इशू नहीं उठाओगे। और एक चीज बताती हूँ आप अगर समझ सके तो, टेम्पो स्वर समझते हैं, कुछ बातों को कहने का एक तरीका होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि सोशल सामाजिक मुद्दों पे अगर ऐसे आ जाए हम बहुत मतलब ऐसे दुखी हो जाते हैं कि महिलाओं के प्रति बहुत शोषण हो रहा है, जो नीची जाति के लोग हैं उनके प्रति बहुत शोषण हो रहा है। भाई माना ये फैक्ट है, इसके लिए इतने दुखी क्यों हो रहे हो? सजेशन दोनों, अगर इतना दुख है तो। कहने का मतलब है जो बात कहने का तरीका होता है, डोंट बी वेरी, जैसे वो कहते नहीं अपोलोजेटिक कि भाई सब कुछ सारा बर्डन तुम ही पर आ गया है, तुम ही की वजह से देश में इतना दुख है। नहीं भाई कोई बात नहीं, देश में दुख है मान लिया तुमने और तुमने दिखा दिया, सजेशन दे दो। तो अपने स्वर को, अपना जो लिखने के तरीके को बहुत ही आशावादी रखना, कभी निराशावादी नहीं रखना। अगर माना कोई ऐसा चीज है जो कभी, जैसे कास्ट सिस्टम है, अब उसके लिए हमें पता है उसका कुछ नहीं होना, लेकिन इसके लिए हम निराशा थोड़ी ना जताएंगे, हम एक अच्छा सोल्यूशन देंगे, वो बात अलग है वो कभी लागू नहीं होगा, लेकिन देने में क्या जाता है, हमसे पूछा गया हम दे रहे। तो मतलब यह है कि कभी भी निराशावादी कंक्लूजन मत लिखना, हमेशा खुश मिजाज के साथ एक अच्छा ऐसे लिखकर आना कि पढ़ने वाला भी खुश हो जाए। यार जाते जाते तुम सोचो वो कितना दुखी होगा, घर में झगड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिर तुम और दुख उसके जीवन में डाल रहे हो। तो अच्छा लिखो, खुश मिजाज से एक अच्छा ऐसे लिखो, अगर प्रॉब्लम भी हाईलाइट कर रहे हो तो उनका सॉल्यूशंस अच्छे से दो, क्लियर है ये बात। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है, ठीक है। अब आता है कि अगर कंक्लूजन में आपको सजेशंस देने की जरूरत है तो आप कैसे दे सकते हो। हमारे में आदत होती है कि हम बस लिख देते हैं, पर लिखने से क्या होता है कि निबंध का जो स्ट्रक्चर है ना वो ब्रेक हो जाता है। तो एक तरीका मैं आपको बता रही हूं, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस अल्पावधिक और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस दीर्घकालिक। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, महिलाओं के प्रति अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ना और सॉल्यूशन या प्रॉब्लम पूछ लें तो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है पितृसत्तात्मक समाज है, और दूसरा उसका सॉल्यूशन होता है पितृसत्तात्मक समाज को बदलने की जरूरत है। फिर ऐसे क्यों लिख रहे हैं, तो 2 लाइन में खत्म हो गया। कहने का मतलब यह है कि पितृसत्तात्मक समाज कल नहीं बदल जाएगा कि चलो चलो चेंज करते हैं, कल से चेंज हो गया। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन होते हैं ना, ये वो चीजें होती हैं जैसे सबके मन में जेंडर सेंसिटाइजेशन डालना या मॉरल वैल्यूज डालना, ये कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है और ये कभी नहीं होना क्योंकि सबके मॉरल वैल्यूज अलग हैं। तो ये लेकिन आप लिखोगे बट लॉन्ग टर्म में, लेकिन जो इमीडिएट, जो प्रैक्टिकल, जो मौलिक सोल्यूशन है वो होते हैं शॉर्ट टर्म।
तो या तो आप इस दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिखो, ये एक तरीका होता है कि आप आइडियलिस्टिक रियलिस्टिक सॉल्यूशंस भी दे रहे हो और एक तरफ आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी दे रहे हो, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका जो हम कर सकते हैं वो है, ये तीन तरीके से, इंफ्रास्ट्रक्चरल आधारभूत संरचना, इंप्लीमेंटेशनल कार्यान्वयन, एटीट्यूडनल व्यवहार संबंधी समाधान। अगर नोटिस करो तो यही क्रोनोलॉजी भी होती है, यही क्रम होता है। कोई भी अगर आपको सामाजिक बदलाव लाना है तो सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको एजुकेशन लानी है तो एजुकेशन के लिए स्कूल्स तो बनाने पड़ेंगे ना, स्कूल्स में टीचर्स को भी लाना पड़ेगा, तो ये तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सिर्फ स्कूल बनाने से नहीं हो जाएगा, वहां पे जिन लोगों को शिक्षा की जरूरत है वो बच्चे उस स्कूल तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, आपको इस बात का भी इंश्योरेंस देना पड़ेगा। और तीसरी चीज, आपको अपने व्यवहार में, अपने जो भी आपका एक पर्सपेक्टिव है उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। हमारे देश में सारे बदलाव बस यहीं आते हैं। पॉलिसीज देख लो, कमी नहीं है, यू नेम एंड देयर इज अ पॉलिसी। तुम कोई भी वल्नरेबल सेक्शन उठा के बोल दो, एक नहीं 10-10 पॉलिसीज होंगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कमी हमारे पास कभी नहीं थी, हमारे पास कमी होती है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को लागू करने की और लोगों के व्यवहार में, उनकी मानसिकता में बदलाव लाने की। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी, समाज में किसी भी क्षेत्र में बदलाव नहीं आएगा। तो जब भी सजेशन दो, इन तीन लेवल्स पे दोगे, आपको भी क्लैरिटी मिलेगी और एग्जामिनर को भी क्लैरिटी मिलेगी कि आप हर एक इशू को पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जांच कर रहे हो। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो अब हमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को लेके क्लैरिटी आ गई। ठीक है, अब हम जल्दी से चर्चा करते हैं कि बॉडी में क्या लिखने की जरूरत है। ये मैं हटा दूं? लास्ट आता है कि आप बॉडी मुख्य भाग को कैसे लिख सकते हो। यार देखो, बहुत सारे तरीके हैं। जब मैंने शुरुआत करी थी लेक्चर की तो मैंने आपसे कहा था कि मल्टी डायमेंशनल लेक्चर होना जरूरी, या ऐसे होना बहुत जरूरी है। तो मल्टी डायमेंशनल से मेरा मतलब था, एक तरीका होता है कि कोई भी मुद्दा हो उसको सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, पर्यावरण, है ना, आर्थिक, इन सारे आयाम पर आप चर्चा कर लो। और ये सबसे आसान होता है, पेपर 1, 2, 3, 4 पेपर वन में आ गया ना आपका भूगोलिक, वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सामाजिक, सब कुछ पहले पेपर में, राजनीतिक दूसरे पेपर में, आर्थिक तीसरे पेपर में, पर्यावरण भी आ गया थोड़ा सा तीसरे पेपर में, और नैतिक आ गया आपके चौथे पेपर में। तो ये सबसे आसान तरीका होता है। लेकिन यार हर क्वेश्चन, हर टॉपिक को इस तरीके से लिखना थोड़ा मजा कम आता है। ठीक है, तो और भी तरीके होते हैं, जैसे कि अगर कभी कोई मुद्दा पूछ लिया जाए, जैसे कि कैशलेस इकोनॉमी, आरटीआई, एमजी नरेगा, डीमोनेटाइजेशन, जो मतलब करंट में हुआ है, ठीक है, उसको एक लिखने का तरीका होता है जिसको हम लिख सकते हैं। हर चीज को सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लिखने की जरूरत नहीं है। यह भी एक तरीका होता है लिखने का कि अगर कैशलेस इकोनॉमी के बारे में हम आज चर्चा करें, सपोज करो चांसेस हैं ऐसे बन सकता है कैशलेस इकोनॉमी, तो कैशलेस इकोनॉमी के क्या प्रोस्पेक्ट हैं, मतलब फ्यूचर में कैशलेस इकोनॉमी को लेकर क्या संभावनाएं हैं।
अभी तक क्या कैशलेस इकोनॉमी ने किसी भी प्रकार की कोई सफलता अर्जित करी है? यहां पर चाहो तो इंटरनेशनल एग्जांपल्स देकर बता सकते हो कि जिस जिस सोसाइटी में कैशलेस इकोनॉमी हुई वहां ये सारे फायदे हुए, या कुछ अगर आपके देश में हुआ तो उसके फायदे कैसे कैसे हैं। फिर जब भी अगर कैशलेस इकोनॉमी आएगी तो जाहिर सी बात है कुछ मुद्दे होंगे, ठीक है, और उन मुद्दों को दूर करने में आप कुछ चुनौतियां फेस करेंगे। ये हो गया पूरा आपका बॉडी ऑफ दी एसे, क्योंकि जो सजेशंस हैं वो आएंगे निष्कर्ष में। क्लियर है? अब चाहो तो प्रोस्पेक्ट्स में लिख सकते हो या इश्यूज में लिख सकते हो, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंडिविजुअल, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो ब्रॉड कैटेगराइजेशन है वो हम ऐसे दे सकते हैं, यहीं पे आरटीआई डाल दो, यहीं पे एमजी नरेगा डाल दो, यहीं पे डीमोनेटाइजेशन डाल दो, कुछ भी डाल दो, किसी का भी एनालिसिस पूछ लिया जाए जो हुआ है, ये चार स्तर पे कर सकते हैं ना। संभावनाएं क्या है, किस हद तक सफलता प्राप्त करी है, मुद्दे क्या थे और चुनौतियां क्या है। हो गया? ये आजकल वो एक प्रॉब्लम चल रही है ना, लाइफस्टाइल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। बस ये है कि उसमें से ये पॉइंट हट जाएगा। लाइफस्टाइल को, डिजीज को दूर करने के लिए क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स है। बस सक्सेस हटा देना, डिजीज की कोई सक्सेस थोड़ी ना होती है। सो आप समझ गए ना कि वो मत लकीर के फकीर मत बनना कि जो भी टॉपिक है उसको हर तरह से ऐसे ही लिखेंगे, जान बूझ के कि क्या टॉपिक दिया है उस अनुसार लिखना, ये एक तरीका है। एक और तरीका हो सकता है, कोई भी टॉपिक इंडिविजुअल स्तर पर, सामाजिक मतलब फैमिली है, कास्ट है, रिलीजन है, इसके स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यह भी एक तरीका होता है ऐसे लिखने का। जरूरी नहीं है सोशियो पॉलिटिकल लिखो, यह भी एक तरीका है कि इंडिविजुअल से शुरू होकर ग्लोबल लेवल तक आप जा रहे हो। कुछ भी हो सकता है, वो कहीं पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बट ये एक तरीका है ऐसे लिखने का। क्लियर है ये बात? ठीक है। वैसे ही एक और तरीका हम लिख सकते हैं, अगर कोई भी एवोल्यूशन टाइप क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप हिस्टोरिकल तरीके से लिख सकते हो, जैसे पहले एंशियंट में क्या था, मीडिएवल टाइम्स में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ। ये एक एग्जांपल देके बता रही हूं। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि सपोज करो हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है, लेकिन फिर भी जीएस में थोड़ा बहुत तो पढ़ाई है सब, लेकिन सपोज करो पढ़ाई नहीं, भूल गए तो इसे हटा दो, हिस्ट्री तो वहां से शुरू कर दो जहां से याद हो, किसने देखी है पहले क्या थी। So, कहने का मतलब है हिस्ट्री की एक खासियत होती है, जैसे वो नहीं होता है कि जहां तोड़ो वहीं से शुरू हो जाती है और जहां से शुरू करनी हो, जिसको अपने जो तुमको जस्टिफिकेशन देना है वो तुम हिस्ट्री के जिस पड़ाव में ट्रेस कर पा रहे हो वहां से अपनी हिस्ट्री शुरू कर देना। तो ये सबसे खासियत है। तो अगर तुमको ये याद नहीं आ रहा है तो इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस में सपोज करो तुमको नॉलेज अच्छी है तो तुम उसे और दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, पोस्ट इंडिपेंडेंस और पोस्ट 1991। ये भी एक तरीका होता है ऐसे लिखने का, टेम्पोरल कहते हैं इसे, जब आप समय को ध्यान में रखते हुए ऐसे लिखते हो कि किस समय पर वो चीज कैसे एग्जिस्ट कर रही थी। क्लियर है? मेक सेंस? ठीक है। तो ये कुछ और लास्ट हम सबका फेवरेट, जितना लिखना चाहते हो इसमें कभी कमी नहीं पड़ेगी। अगर कभी भूल भी रहे हो डायमेंशन तो तुरंत याद कर लेना कि इसे एक साल में क्या क्या पढ़ा है, घबराहट के मारे याद आ जाएगा कि ये भी पढ़ा है। अगर मैं कुछ छूट रहा है तो आपको मुझसे बेहतर याद आ जाएगा, तो देख लेना, अरे ज्योग्राफिकल रह गया यार, फिर ऑप्शनल वाले नाराज हो जाते हैं ऐसे मेरे को। बहुत कुछ है लिखने के लिए,
तो ये बेसिक कुछ तरीके होते हैं ऐसे को लिखने के। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब हमने बातें तो बहुत, हाँ बोलो। हाँ देखो, एक चलो अच्छा है। अच्छा, अगर ऐसे कोई भी सवाल मन में आ रहे हैं ना तो पूछ लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोटेशन लिखने की कोई जगह नहीं होती, जहां वो फिट बैठ रही हो। मतलब देखो, कोटेशन क्यों कही जाती है, जैसे मुझे आपसे कोई बात कहनी है लेकिन मैं उन बातों को ज्यादा शब्दों में कहने की बजाय कम शब्दों में कहना चाहती हूं और मुझे किसी और की कोटेशन याद है तो मैंने वहां कह दी। आप शुरुआत में लिखो, आप अंत में लिखो, आप मिडिल ऑफ द एसे में लिखो, फर्क नहीं पड़ता, बस प्रोवाइडेड है बहुत ज्यादा मत लिखो। मैक्सिमम 2 से 3 कोटेशन आप लिख सकते हो, और वो भी वहां लिखना जहां वो एकदम फिट बैठ रही हो। ऐसा ना हो कि आपने जबरदस्ती उसको डाली हो, कोई क्राइटेरिया नहीं है कहां लिखोगे, जहां लिखना चाहो वहां लिख सकते हो, बट मैक्सिमम है 3, इससे ऊपर मत लिखना, नहीं तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कोटेशन वाला ऐसे लिख दिया है। क्लियर है ये? ठीक है, अभी तक हमने जिस बात पे चर्चा करी उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप पूछो, नहीं तो फिर हम ऐसे राइटिंग शुरू करते हैं। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। आपको फ्लो चार्ट बनाना है, आप फ्लो चार्ट बनाइए। आपको डायग्राम बनाना है, आप डायग्राम बनाइए। मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। बहुत बार क्या होता है, जैसे हमें सपोज करो ऐसे इंपैक्ट डिस्कस करना था, मैं आपको एक ऐसे इस साल का सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उसका आदत थी कि वो पहले ना इस तरह का कोई डायग्राम बना के बता देता था कि वो आगे क्या डिस्कस करने वाला है और फिर वो उस पे चर्चा करता था। बिल्कुल जायज है। आपको डायग्राम बनाना है, आप डायग्राम बनाइए। आपको फ्लो चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट बनाइए। कभी कभी होता है ना कि जैसे ईरा सिंगल ने टूरिज्म के ऐसे में एक मैप बनाकर और फिर बताया था कि कौन कौन से बहुत ज्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं और फिर उसने ऐसे लिखने की शुरुआत करी थी। पर एक चीज है, वो ज्योग्राफी ऑप्शनल की स्टूडेंट थी और उसने एक मैप बनाया और बात खत्म कर दी। कभी कभी क्या होता है, हम पे हमारा ऑप्शनल इतना हावी हो जाता है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। सपोज करिए कास्ट पे कोई टॉपिक आया या राजनीति पे कोई टॉपिक आया, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, आपने रजनी कोठारी को लिख दिया, एग्जामिनर पढ़ के खुश हो गया, अरे इसको पता है रजनी कोठारी। लेकिन धीरे 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 लिस्ट शुरू हो गई थिंकर्स की जो आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हो, फिर एग्जामिनर के मन में आएगा, अरे यार ये तो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, इसने अगर रजनी कोठारी को लिख दिया तो कौन सी बड़ी बात की। मतलब समझे, ऑप्शनल को बहुत ही स्ट्रैटेजिकली यूज करने की जरूरत है कि सामने वाले को पता ना चले कि वो ही तुम्हारा ऑप्शनल है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, एक सोशल इशू पे ऐसे आया तो शुरुआत बहुत अच्छी करी अमर्त्य सेन और महात्मा गांधी से करी, तो अमर्त्य सेन महात्मा गांधी एक ऐसे हैं जिनके बारे में सभी को पता है, लेकिन धीरे 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 MN श्रीनिवास, एंद्रे बेते, GS घूरे, तो पता चल गया भैया ये तो सोशियोलॉजी का स्टूडेंट है, फिर तो रहने ही दो, फिर तो भाड़ में गए, नहीं सॉरी भाड़ में नहीं गए, मतलब जो भी लिखा वो भाड़ में गया, फिर एक पर्सपेक्टिव बन गया कि इसको तो ये सब आना कौन सी बड़ी बात है। तो अपने हाथ से अपना गेम मत खराब कर आना, उतना ही लिखो जिससे सामने वाले को कुछ अलग दिखे बट इस बात का आभास ना हो कि तुम्हारा ऑप्शनल क्या है। जैसे पबार्ड वाले भर भर के लिखकर आते हैं अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस, जैसे छपे हुए मन में कि इसके अलावा तो देश में कुछ है ही नहीं, देश यही खत्म, कि अगर अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी ये सब नहीं होगी, देख के पता चल जाता है यार ये तो पबार्ड का है। तो आराम से इस्तेमाल करो, नियंत्रण के साथ धीरे धीरे पत्ते खोलो। जैसे तुम एक साथ सारे शब्द लिख दोगे ना, वहीं समझ आ जाएगा याद करके आया था आंसर में, तो ये थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो टॉपिक नहीं उठाओगे जो तुम्हारे ऑप्शनल से रिलेटेड है। बहुत बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि अगर हम अपने टॉपिक या अपने ऑप्शनल के विपरीत जाके लिखेंगे तो वो अच्छा रहेगा। क्यों भाई, इतनी मेहनत करी किस लिए थी, इस दिन के लिए कि जो पढ़ा है उसको छोड़ के कुछ और लिख कर आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। बट ऑप्शनल को थोड़ा संभाल के इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है, और कोई सवाल? हाँ एक मिनट, एक मिनट। क्या क्या मतलब कितने टाइम में उसको लिखना चाहिए? वर्ड लिमिट 150 से 200, मतलब मैक्सिमम। ये एक आइडिया दे देती हूँ, प्रस्तावना मैक्सिमम 150 to 200, निष्कर्ष मैक्सिमम 100 to 150, बाकी जो बचा हो यहाँ। वैसे तो 1200 शब्दों में लिखना होता है, पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 1200 लिखोगे, नहीं उससे ज्यादा मत लिख कर आ जाना, फिर तो दूसरा नहीं लिख पाएंगे। कम लिख सकते हो, मतलब 1000 से कम मत लिखना, लेकिन 1000 से 1200 के बीच में आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो बड़ी में लिख रहा है, थोड़ा माइक पीछे करके। हाँ जो बड़ी में लिख रहा है, हाँ
टेक्नोमी से, अच्छा देखो एक सिंपल सी बात है, पॉइंट्स लिखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें थोड़ा सेफ खेलना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव क्या है। तो सेफ बेट ये होती है कि ऐसे राइटिंग में आप पैराग्राफ राइटिंग करिए, लेकिन एक पैराग्राफ में एक से ज्यादा पॉइंट मत लिखिए। कहने का मतलब यह है कि छोटे पैराग्राफ्स लिखा करो, ज्यादा बड़े पैराग्राफ्स लिखते हो पढ़ने का मन नहीं करता है, तीन चार लाइनों से ज्यादा बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना चाहिए। आप जैसे एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको एक तरीका बता देती हूं, आपको जो चीज सूट करे आप वैसे कर सकते हो। जैसे सपोज करो आपको सोशल डायमेंशन पॉलिटिकल डायमेंशन ऐसे लिखना है, या तो हम सब हेडिंग दें और उसके बाद एक पैराग्राफ फिर पैराग्राफ चेंज इस तरह से करके लिखें, ये एक तरीका होता है। आपको सब हेडिंग्स देना अलाउड है, आप सब हेडिंग्स दे सकते हो, लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मन में थोड़ा सा संशय होता है कि सब हेडिंग अलाउ की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो उसको लिखने का एक तरीका है जो टीना दाभी भी फॉलो करती थी, वो ये था कि जो पहला वर्ड है ना पैराग्राफ का उसको लिख दो। कहने का मतलब सोशली लिख रहे हो ना, सोशल सामाजिक, जैसे सामाजिक लिख रहे हो तो लिख सकते हो सामाजिक स्तर पर, और फिर अपना पैराग्राफ शुरू कर दो। तो सब हेडिंग भी नहीं देनी पड़ी और आपने ये बात भी क्लियर कर दिया कि इस पैराग्राफ में आप कौन सा डायमेंशन डिस्कस कर रहे हो, ये भी एक तरीका होता है। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो आपके जैसा आपको अनुकूल लगे, जैसा आपके लिए ठीक हो वो करो, लेकिन पॉइंट फॉर्मेट में मैं थोड़ा सा मतलब मना करती हूं क्योंकि पॉइंट फॉर्मेट बहुत एक्सेप्टेबल फॉर्मेट शायद नहीं है। छोटे पैराग्राफ्स लिख लो भाई, दिक्कत हम पॉइंट में क्यों लिखना चाहते हैं, क्योंकि हमें कनेक्टिविटी नहीं बैठती। तो छोटे छोटे पैराग्राफ्स में अपनी बात कह दो। क्लियर है ये? ठीक है, एक और एडवाइस है, कुछ स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन होता है कि अगर हम सामाजिक या आर्थिक डायमेंशन लिख रहे हैं और हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, तो आपने एक पॉजिटिव पॉइंट लिख दिया और एक नेगेटिव पॉइंट लिख दिया। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो साथ में ही सोल्यूशन भी देना चाहते हैं, वो मत करना, क्योंकि अगर सोल्यूशन वहीं दे दोगे तो फिर कंक्लूजन में क्या लिखोगे। तो अगर आप किसी मुद्दे के बहुत सारे पहलू दिखा रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव फॉर अगेंस्ट, वो तो दिखा दो वहीं पर, लेकिन सोल्यूशन वहां पर मत देना, वो लास्ट में आके देना। और एक सजेशन, ऐसे कभी मत करना कि पहले आपने सामाजिक लिखा फिर आपने आर्थिक लिखा, मतलब पॉइंट्स लिखे और आपने ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स दे दिए, फिर आपने नेगेटिव पॉइंट शुरुआत करी और फिर आपने सामाजिक लिखा, ये मत करना, समय भी बर्बाद होता है और फिर वो लिंक नहीं बैठ पाता। अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है तो एक हेडिंग उठाओ और इसी के अंतर्गत पॉजिटिव और नेगेटिव लिख दो। क्लियर है? लेकिन सोल्यूशन वहां पे मत देना, सोल्यूशन हमेशा लास्ट में आके देना, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। और सोल्यूशन की भी क्रोनोलॉजी वही रखना, क्रम वही रखना जो आपने अपनी समस्याओं का क्रम रखा है। अगर सबसे पहला आपने सामाजिक बताया है तो सोल्यूशन भी आप सामाजिक बताना। क्लियर है ये बात? ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? और कोई डाउट? वैसे पता है ज्यादा से ज्यादा एक स्टोरी बहुत होती है, उसका कारण है फिर क्या होता है आपके पास ना अब इतना समय नहीं रह गया, इतना स्पेस नहीं रह गया। बट एक तरीका बताती हूँ, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स कर भी लेते हैं जैसे, पर मैंने ट्राई किया था, मुझसे नहीं हुआ था, तो आप लोग देख लीजिएगा, जो स्टोरी की शुरुआत करते हैं ना उसके बाद ऐसे लिखते हैं और फिर लास्ट में जो कंक्लूजन होता है ना उसे जो स्टोरी लिखी है उसी से लिंक कर देते हैं। तो ऐसा लगता है कि आपने पूरी एक कहानी में अपने ऐसे का सार दे दिया। ये भी एक तरीका होता है कि आपने स्टोरी से शुरुआत करी और उसी स्टोरी से आप अपने ऐसे को खत्म करते हैं। मैक्सिमम ये कर सकते हो, मतलब उस स्टोरी पे सारे पक्ष को उठाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि स्टोरी किस कॉन्टेक्स्ट में उठाई है। देखो कहीं ना कहीं ये तरीके हो सकते हैं बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि बहुत बार आप कहना क्या चाह रहे हो इस पे बहुत डिपेंड करता है कि आपने स्टोरी लिखी कैसे है, आपका टॉपिक क्या है। एक काम ये किया जा सकता है कि आज हमने चर्चा कर ली है, अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि आप कुछ ट्राई करना चाहते हो, कोई फ्रेमवर्क तैयार करना चाहते हो, तो मैं लास्ट में अपना ईमेल आईडी आपको दे दूंगी, आप अगर कुछ भी तैयार करते हो तो आप मुझे मेल कर देना, हम एक इंटरेक्शन कर लेंगे। बट ये सब मेंस के बाद करना, ठीक है? और जो इस बार के मेंस के स्टूडेंट हैं वो मुझसे अभी सेशन के बाद मिल सकते हैं। बाकी आप सब मोस्ट वेलकम हो, अगर कुछ भी फ्रेमवर्क तैयार करते हो, दिखाना चाहते हो, चर्चा करना चाहते हो, मेरे मेल आईडी पे भेज देना, हम मेंस के बाद उस बारे में चर्चा कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि बहुत बार ये बातें डिपेंड करती हैं कि टॉपिक क्या है और लिख कैसे रहे हो। क्लियर है? ठीक है, और कोई डाउट?
अंडरलाइन करना जरूरी है, बट बहुत ज्यादा अंडरलाइन मत करना. सिर्फ उतनी बातें अंडरलाइन करो जो एग्जामिनर को दिखाना चाहते हो, मतलब जो बहुत आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको एक तरीका बताती हूँ. जैसे सपोज करिए आपके पास एक ये पेपर है, ब्लैंक पेपर, उसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं. अगर कुछ भी दो तीन बातें अंडरलाइंड होंगी ना, सबसे पहली नजर आपकी उसी पे जाती है. ये तरीका है. हम अंडरलाइन करने का यही पर्पस होता है कि एग्जामिनर का जो ध्यान है वो सबसे पहले उन्हीं बातों पे आकर्षित करें. यही पर्पस सब हेडिंग का होता है, यही पर्पस डायग्राम का होता है. एक बात सोचो, बहुत सारी ऐसे की कॉपियां आ रही हैं, सब बहुत मोनोटोनस वे में लिखी हुई हैं, लेकिन आपकी एक कॉपी आई जो थोड़े अलग तरीके से लिखी हुई है. जाहिर सी बात है कि एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित होगा. आप पे डिपेंड करता है आप क्या दिखाना चाहते हो. अगर वर्ड अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो रहा है तो आप वर्ड को अंडरलाइन कर लो, लेकिन अगर केवल एक अकेला वर्ड आपके कॉन्टेक्स्ट प्रसंग को नहीं समझा रहा है तो आप थोड़ी लाइन को अंडरलाइन कर लो. ठीक है, और कुछ? देखो डिपेंड करता है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ. ये जिस स्टूडेंट का मैंने एग्जांपल दिया था, जिसने वो रहीम का दोहा लिखा था, उसने इंग्लिश मीडियम में लिखा था, लेकिन रहीम का दोहा तो उसने हिंदी में लिखा, तो उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना पड़ा. अगर आप अपनी ही लैंग्वेज में लिखते हो कोटेशन तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही आप दूसरा लेते हो तो एक्सप्लेन करना मैंडेटरी. मैंडेटरी का मतलब होता है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है. क्लियर है ये बात? ठीक है, एक बस आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ. इस बार की टॉपर है ना नमामी बंसल, मतलब 17 रैंक है शायद उनकी. उनका एक टॉपर स्टॉक देखी थी मैंने, और मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी जो मैं सीरियसली अपने हर एक सेशन में बोलती हूँ. वो ये थी, उन्होंने ये कहा था कि मेरा टारगेट नहीं था कभी कि मुझे बहुत मार्क्स लाने हैं या ये लाना है वो लाना है. मेरा बस इतना सा टारगेट था कि मैं हर एक क्वेश्चन को कैसे आंसर करूं कि एग्जामिनर मुझे एक एक्स्ट्रा मार्क्स दे दे. एज एन अगर एग्जामिनर मुझे 4 नंबर देना चाहता है तो वो मुझे 5 दे दे, 5 देना चाहता है तो मुझे 6 दे दे. क्योंकि उसका टारगेट ये था कि अगर हर एक क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा मार्क तो एक पेपर में 20 एक्स्ट्रा मार्क्स, 5 पेपर में 100. अब ये मैथ्स लगाते रहना, 5 पेपर में 100 एक्स्ट्रा नंबर. कहने का मतलब ये है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है. हर एक क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा एफर्ट और सच में आपका नाम लिस्ट में होगा. लिस्ट में होना नहीं होना सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी उस पेपर को लेके अप्रोच क्या है. देखिए हम जितनी भी बातें यहां पे कर लें, ये मेरा काम था, ये मेरी ड्यूटी थी आपको ये सब बताना, लेकिन एट द एंड ऑफ इट मैं आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी बताती हूं जो मेरी आप बीती है. कितना भी सीख लो, एग्जाम में क्या होने वाला है ना ईश्वर ही जानता है, और ईश्वर के साथ थोड़ा बहुत आप जानते हो. उसके लिए एक बात बता देती हूँ, किसी भी मोड़ पे अगर चाहते हो कि ये एग्जाम क्लियर हो तो पूरे प्रेपरेशन के टाइम पर एक मिनट भी हताश मत होना. और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब एग्जाम लिखने जा रहे हो ना उस मोमेंट पे तो अपना टेम्परमेंट बिल्कुल लूज मत करना, क्योंकि आधी जनता का सिलेक्शन इस बात पे नहीं होता, क्योंकि पेपर लिखते वक्त भी उसका ध्यान इस बात पे होता है कि मेरे कौन कौन से दोस्त इस क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे होंगे और कौन कौन नहीं कर पा रहे होंगे. आधे टाइम तो प्रेशर इस बात का क्रिएट हो जाता है कि अगर इस बार क्लियर नहीं हुआ तो मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा. कभी कभी टेंशन इस बात की होती है कि गर्लफ्रेंड ना भाग जाए कि इस बार भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत प्रेशर बन गया अब जाओ. तो बहुत तरीके हैं यार डिप्रेशन होने, तो उसके लिए बहुत समय है तुम्हारे पास परेशान होने का. एग्जाम में वो सारी परेशानियां मत गिनने बैठ जाना. उसका इसलिए रीजन बोल रही हूं क्योंकि आप बीती है. पहला अटेम्प्ट था, जिंदगी का सबसे बढ़िया अटेम्प्ट था, क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी थी. थोड़ा अपने बारे में बता देती हूं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट हूं, तो आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई में ठीक ठाक ही थी मैं, मतलब ऐसे नहीं मेडल बांटते फिरते हैं, तो ठीक ठाक थी. तो खुद से बहुत उम्मीदें थी कि मैं तो भाई पहले अटेम्प्ट में ही मतलब क्या तो कर दूंगी, तो गाड़ दूंगी. तो खैर वो बात अलग है. एग्जाम पेपर आया, जो मेरी साथ की फ्रेंड थी वो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड की थी और वो बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, सिलेक्टेड है बाय द वे, तो वो बहुत एवरेज स्टूडेंट थी. उनके कुछ 48% मार्क्स आए थे, मेरे 90% मार्क्स थे, तो इतना डिफरेंस था. मैं हमेशा उनके साथ इसलिए रहती थी, मतलब दैट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ माय कैरेक्टर, बट वो सच्चाई है तब की. मुझे हमेशा एक बहुत साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता था कि ऐसे लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरे निकलने के चांसेस और ज्यादा हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस बात की गलतफहमी थी रोज कि इस क्या 48 यार, मतलब मैं 90% हो ही जाएगा, मतलब तो कहीं ना कहीं वो गलतफहमी थी. पहला पेपर आया हमारे टाइम पे, मेरे पहले अटेम्प्ट के टाइम पे 2 जीएस के पेपर होते थे, 2 ऑप्शनल होते थे. पहला जीएस का पेपर आया, एक क्वेश्चन था उसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या अंतर होता है. बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसा पढ़ के जाते थे, पर कभी कभी नहीं होता, बस स्लिप कर गया दिमाग से, तो मेरे दिमाग से वो स्लिप कर गया. 12 नंबर का सवाल था. मुझे टेंशन इस बात की नहीं थी कि मेरा स्लिप कर गया, मुझे इस बात की टेंशन थी उसका इकोनॉमिक्स ऑनर्स तो बैकग्राउंड है, उसको तो ये रिवर्स रेपो रेट पूरा आता होगा. और उस टेंशन के मारे जो आगे का पेपर है वो तो
गया, सिर्फ एक क्वेश्चन। अरे नहीं आता था, नहीं आता था, आगे बढ़ो, कुछ और लिख देते, 12 नंबर की तो बात थी। लेकिन वो इतना ज्यादा टेंशन हो गया कि उसको तो आता होगा, वो तो इकोनॉमिक्स में मास्टर्स है, सारा काम खराब हो गया। पेपर के बाद उसने मुझसे पूछा, यार स्मृति तो बहुत परेशान लग रही है, क्या हो गया? मैंने कहा यार मुझे रिवर्स रेपो रेट नहीं आता था। हंसने लग गई। मैंने कहा यार बताओ ये मुझ पर भी हंस रही है। कहती मुझे भी नहीं आता था। मैंने कहा तुम्हें भी नहीं आता था? मैंने कहा तुम पैनिक नहीं करी, तुम घबराई नहीं कि तुमको नहीं आता? कहती नहीं, मैं तो खुश हो रही थी, जब मास्टर्स वाली को नहीं आता तो बाकियों को क्या आता होगा। कहने का मतलब यह है कि कितना भी पढ़ लो, अगर एटीट्यूड सही नहीं रखोगे तो कोई एग्जाम क्लियर नहीं होगा। मैं सिर्फ आपको सिखा सकती हूं, एट द एंड ऑफ इट एक सही एटीट्यूड के साथ लिखना आप ही को है। क्लियर है ये बात? तो एक ऐसे उठाते हैं हम, वो एंजेंडर्ड वाला, और उस पर थोड़ा सा फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। चलो जल्दी से लिखो टॉपिक, टॉपिक लिखो। स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को, स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किए बिना विकास संकटग्रस्त है। स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किए बिना विकास संकटग्रस्त है। ठीक है, एक आपको एक तरीका बताती हूं। देखो जब मेरे टाइम पे एक ऐसे होता था तो पहले हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते थे, मतलब एक रफ पेज है हमारे पास, जितने पॉइंट्स दिमाग में आ रहे हैं वो सब एक जगह लिख लेते थे। यही एक कॉमन तरीका होता है, बट आपके पास इतना समय नहीं है क्योंकि आपको दो ऐसे लिखने हैं। तो मेरा एक एडवाइस है, फॉलो करके देखना, पेज को तीन भाग में डिवाइड कर लो, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, और उसी अनुसार फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, जिससे कि जब लिखने बैठो तो डिसाइड ना करना पड़े कि कौन से पॉइंट्स इंट्रोडक्शन में लिखने हैं और कौन से पॉइंट्स कंक्लूजन में लिखने हैं। पहले ही अपने पेपर को तीन पार्ट्स में डिवाइड करके चलो और फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, शायद कुछ फर्क पड़े। करके देखते हैं, आप लोगों के पास 5 मिनट है, कुछ सोचो कि इस पॉइंट को ऐसे नहीं लिखना है, वो आप घर जाके आराम से लिखना। यहां पे बस हमें एक फ्रेमवर्क तैयार करना है कि क्या लिखने की जरूरत है और कैसे लिखेंगे। आपको एक सबसे बड़ी गलती बताती हूं, आपने कभी ड्राइंग करी है? स्कूल में करते हैं ना ड्राइंग, जब सबसे छोटे होते हैं तो आपको एक पिक्चर चित्र बना हुआ होता है और वो क्लियरली डिवाइडेड होता है। आपका काम बस इतना होता है उसमें कलर भरना, और आपको बस इतना सिखाया जाता है कि कलर इस तरह से भरना कि वो उस लाइन से बाहर ना जाए, और अच्छी खासी ड्राइंग पेंटिंग हो भी जाती है। पर गलती हमसे ये हो जाती है कि हमारा अब बड़े होकर सारा ध्यान कलर पर है, चित्र क्या है, खांचा क्या है, आकार क्या है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो बस कलर भरने में लगे पड़े, इसीलिए वो इधर उधर बिखरता रहता है। अगर खांचा तैयार कर लोगे तो रंग भरने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। पहले फ्रेमवर्क तैयार करो और फिर डिसाइड करो कि उसमें लिखना क्या है। लिखने के लिए तो बहुत कुछ मिल जाएगा, पहले फ्रेमवर्क तो तैयार करो कि पूरा ऐसे का सारांश, मतलब एक अप्रोच क्या है तुम्हारी। पहले एक बताती हूं, इस तरह से लिखना जब भी, मतलब तैयारी करो कि ये एक टॉपिक, फिर मैं ये डील करूंगा, फिर मैं ये ऐसे करूंगा, फिर ऐसे करूंगा। इस तरह से एक फ्रेमवर्क तैयार करो। इसमें कितने पार्ट्स हैं वो तो अपने आप बाद में आ जाएगा। जैसे कि इस टॉपिक में विकास क्या है, पहली चीज। फिर ये बताना है क्या हमारे यहाँ विकास में स्त्री पुरुषों के समान सरोकारों को शामिल किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो कहां तक विकास संकटग्रस्त हुआ है। अगर ऐसा है तो क्या स्टेट ने कोई मेजर्स लिए हैं, अगर लिए हैं तो उनमें क्या कमियां है, और अगर कमी है तो जाहिर सी बात है कुछ समाधान होंगे। तो मैंने मन में एक ये चित्र बना लिया, अब इसमें मैं भरूंगी कि विकास संकटग्रस्त कैसे है। सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, नैतिक विकास, कोई भी विकास हो सकता है ना, आप पे डिपेंड करता है। तो पहले फ्रेमवर्क बनाओ और फिर भरो, तो सोचो कि कैसे करना है। 5 मिनट का टाइम है, एक फ्रेमवर्क तैयार करो।
आप लोगों में से कभी किसी ने अपने आप से बातें करी हैं? करते हैं, डेली करते हैं। जब भी ऐसे लिखना हो ना, सबसे बेहतरीन तरीका होता है अपने आप से बात करो, टॉपिक पढ़ो और अपने मन में लाउड थिंकिंग करो कि टॉपिक पूछना क्या चाह रहा है, किस किस आयाम पर हम इसको लिख सकते हैं, इसमें किस बातों की चर्चा कर सकते हैं, अगर चर्चा करेंगे तो कैसे करेंगे। थोड़ा सो ऐसे ही ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे लिखा है ना कि विकास संकटग्रस्त है, तो सबसे पहले आपके मन में सवाल आना चाहिए, विकास है क्या? आपके लिए विकास क्या है? अपना परसेप्शन दे सकते हो ना, सबके लिए विकास अलग तरीके का हो सकता है। आप बताओ आपके लिए विकास क्या है, फिर बताओ कि आपके देश में विकास हुआ है। अगर हुआ है तो क्या स्त्री पुरुषों के लिए समान रूप से विकास हुआ है? अगर हुआ है तो कहां कहां हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो कैसे वो विकास विकास नहीं है, वो संकटग्रस्त है। क्लियर है ये बात? अपने आप से लाउड थिंकिंग करो, ये आपको ऑटोमेटिक, और ये कोई भी टॉपिक उठा लो, ये आपका होम असाइनमेंट है। पिछले साल यूपीएससी के 8 ऐसे आए थे, हर एक टॉपिक कंटेंट ही तो नहीं आता होगा ना, टॉपिक का बाइफरकेशन तो हम कर ही सकते हैं। हर टॉपिक को अपने आप से बात करो कि ये टॉपिक पूछ क्या रहा है, उसे हम कहते हैं लाउड थिंकिंग। मन में अपने आप से जो भाषा, जो आपकी मदर टंग हो, जो आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लैंग्वेज हो, उसमें अपने आप से बात करो कि ये टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। अपने आप देखना 10-12 पहलू सामने आ जाते हैं और आपका ऐसे तैयार हो जाता है। नहीं तो टॉपिक देख के शुरुआत में थोड़ी घबराहट हो जाती है कि लिखना क्या है इसमें। सवाल पूछो अपने आप से, टॉपिक देखो और सवाल पूछो कि क्या सवाल हो सकते हैं। इसमें एक और पर्सपेक्टिव डाल सकते हो जो लोग सोचते नहीं अक्सर, स्त्री पुरुष के समान सरोकार हैं। तो जाहिर सी बात है, पितृसत्तात्मक समाज है, स्त्रियों को उतने वो नहीं दिए गए हैं, मतलब राइट्स। लेकिन कहीं ना कहीं आज ऐसी नौबत आ गई है कि पुरुषों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं, जैसे कि आपका 498A सेक्शन डाउरी लॉ है ना, जिसके लिए आजकल एक शब्द यूज हो रहा है, न्यू लीगल टेररिज्म, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया है। आप एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी दे सकते हो कि हर बार स्त्री के अधिकार ही नहीं, बहुत बार पुरुषों के अधिकार भी नहीं दिए गए हैं। और जितने भी लॉज हैं उठा के देख लो, सारे ट्रीटमेंट, सारे बेनिफिट सिर्फ महिलाओं को मिले हैं। जैसे कि जो आपका क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, महिलाओं के प्रति एसिड अटैक नहीं हो सकता, पुरुषों के प्रति हो सकता है। महिलाओं को स्टॉप नहीं कर सकते हैं, पुरुषों को कर सकते हैं, क्योंकि पुरुषों के लिए तो वो लॉ है ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि पितृसत्तात्मक समाज में कुछ अपने भी ऐसे मतलब नियम होते हैं जो पुरुषों के अगेंस्ट जाते हैं, ये भी एक डायमेंशन है। और तीसरा डायमेंशन ये डाल सकते हो कि हर बार हम समाज में स्त्री पुरुष बाइफरकेशन की बात क्यों करते हैं? थर्ड जेंडर भी तो है, ट्रांसजेंडर्स भी तो आपकी सोसाइटी का ही पार्ट है, ना वो स्त्री है ना वो पुरुष है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें स्टेटस भी दे दिया थर्ड जेंडर का, वो पर्सपेक्टिव भी यहां डल सकता है। कहने का मतलब है जितने सवाल पूछोगे उतने जवाब सामने आएंगे कि इससे और क्या पूछा जा सकता है, और क्या बन सकता है। अपने आप तुम्हारा कंटेंट पूरा तैयार हो जाएगा, पूरा फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा। क्या लिखा है फ्रेमवर्क बताओ बताओ। स्टार्टिंग मैंने स्वामी विवेकानंद के कोटेशन दे दी, जैसे कि राष्ट्र की प्रगति देखनी है तो उसमें महिलाओं की स्थिति को सुधार करना। द बैरोमीटर ऑफ नेशंस प्रोग्रेस इज मार्क्ड बाय द ट्रीटमेंट गिवन इट्स टू इट विमेन। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर देश की प्रगति आंकनी है तो महिलाओं के प्रति कैसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो देखना जरूरी है। बिल्कुल सही है, आप कोटेशन से शुरुआत कर सकते हो, वेरी गुड। और बेसिकली डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन की, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, इन सब पे चर्चा करी है। ये तो हम वैसे भी कर सकते हैं, आप मेरा मतलब नहीं समझे। जैसे मैं आपसे बात कर रही थी स्ट्रक्चर की, अगर स्ट्रक्चर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। डेवलपमेंट, आपके लिए डेवलपमेंट कुछ भी हो सकता है, मैं आपको अपना नजरिया बता रही हूं। जैसे मेरे लिए डेवलपमेंट है मैं अपने ऐसे की शुरुआत ऐसे कर देती, मैं ये इक्वेशन भी बना सकती हूँ, कोई इसमें बुराई नहीं है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। फिर मैं बताती कि ये अगर ह्यूमन डेवलपमेंट है तो मेरे लिए ह्यूमन डेवलपमेंट के 3 पार्ट्स हैं, एक अवसर में समानताएं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, दूसरा जो भी आपको अवसर मिले हैं, अपॉर्चुनिटी मिली है वो स्थिर होनी चाहिए, स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी इन दी अपॉर्चुनिटी, और तीसरा सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल।
ये मेरा इंटरप्रिटेशन है ह्यूमन डेवलपमेंट का. मेरा से मतलब है मैंने कहीं पढ़ा होगा तो मैं वो दे रही हूँ. कहने का मतलब है ये मैंने इस तरह से सोचा कि मैं अपने टॉपिक को एड्रेस करूंगी कि अवसर में समानताएं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटीज, मतलब उनमें स्थिरता होनी चाहिए, और तीसरा एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण. ये तीन पार्ट्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ इज डेवलपमेंट. पहले मैंने बता दिया मेरे लिए ये डेवलपमेंट है. अब मैं फ्रेमवर्क में डिस्कस करूंगी कि टू व्हाट एक्सटेंट डेवलपमेंट हुआ है. किस रूप तक और किस हद तक जो विकास हो रहा है वो महिलाओं और पुरुषों के जितने भी सरोकार हैं उसे समान रूप से शामिल कर रहा है. यहां पर ये तो फ्रेमवर्क था, ये आंसर नहीं है. इस फ्रेमवर्क को अब आप डिफरेंट डायमेंशंस पे डिस्कस करोगे. जैसा इन्होंने कहा इकोनॉमिक लेवल पे जो डेवलपमेंट हुआ है, क्या महिलाओं और पुरुषों के कंसर्न्स को एक रूप से देखा गया है? या अगर पॉलिटिकल लेवल पे हुआ है तो क्या एक रूप से देखा गया है? या डोमेस्टिक लेवल, मतलब जो घरेलू कामकाज है उसमें क्या दोनों का जो भी पार्टिसिपेशन है वो सेम है कि नहीं है? या फिर जो राइट्स मिले हैं वो बराबर पे है या नहीं है? ये एक तरीका है लिखने का, पर ये कंटेंट है, ये फ्रेमवर्क है. मैं इसकी बात कर रही थी कि इसमें क्या भरना है. वो तो बहुत आसान है, वो तो आप कर लोगे, पर कैसे, किस स्ट्रक्चर में ऐसे लिखना है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है. तो पहले खुद को पता तो हो कि डेवलपमेंट क्या है आपके अकॉर्डिंग, फिर आपको ये पता हो कि डेवलपमेंट कैसा हो रहा है इंडिया में, दोनों के लिए हो रहा है किसी एक के लिए हो रहा है, फिर बताओ कि किस तरह से, क्योंकि आपका डेवलपमेंट पुरुष प्रधान देश में एक तरफा है, उसकी वजह से डेवलपमेंट अपने आप में संकटग्रस्त है. क्योंकि आपने तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन ये दी थी ना, इसका मतलब है जो आपके यहां हो रहा है वो डेवलपमेंट है ही नहीं, वो विकास है ही नहीं. क्रिस्टीन लगार्ड ने कहा था ना कि अगर महिलाओं का पार्टिसिपेशन बराबर नहीं होगा तो आपकी जीडीपी 27% से प्रभावित हो रही है. तो यानी आपका डेवलपमेंट संकटग्रस्त है क्योंकि महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं. वैसे ही अमर्त्य सेन कहते हैं कि अगर आपको समाज में चेंजेस लाने हैं तो जितने भी संसाधन हैं वो महिलाओं के हाथ में होने चाहिए, बट यहां तो वो है नहीं, तो इसका मतलब है आपका विकास संकटग्रस्त है. वैसे ही अगर हम विमेन की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें, क्योंकि महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, इसका मतलब है हमारे यहाँ का जनतंत्र सही मायनों में जनतंत्र नहीं है, इसका मतलब है विकास जो है वो संकटग्रस्त है. तो जो थर्ड आपका पार्ट होगा, थर्ड जो फ्रेमवर्क होगा वो ये होगा, वहां आप बताओगे कि डेवलपमेंट किस तरह से एंडेंजर्ड है, मतलब संकटग्रस्त है. ये थर्ड स्ट्रक्चर है आपके एसे का, ये कंटेंट. हाँ जी, हाँ, बिल्कुल. बहुत अच्छा तरीका होगा कि आप ये बताओ कि प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं ऐसे डेवलपमेंट के, अभी तक ऐसा डेवलपमेंट होने में कुछ सफलता प्राप्त हुई है कि नहीं, मुद्दे क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं. बहुत बेहतरीन तरीका. टॉपिक का एसेंस सेम है, लिखने का तरीका बस बदल रहा है. आप सब वही मुद्दा उठा रहे हो, बस उसको लिखने के तरीके चेंज हो रहे हैं. बहुत अच्छा तरीका है, आप बिल्कुल लिख सकते हो ऐसे. आप किसी और तरीके से भी शुरू कर सकते हो, डेवलपमेंट में विरोधाभास दिखाकर कि आप किस बात की डेवलपमेंट और विकास की बात कर रहे हो जब इतने सारे लोग मार्जिनलाइज्ड हैं आपकी सोसाइटी में, वायलेंस बढ़ता जा रहा है, एजुकेशनल पार्टिसिपेशन. अभी ILO की रिपोर्ट आई थी ना कि फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और कम हो गया है, तो किस बात का डेवलपमेंट हो रहा है? आप एक पैराडॉक्स रिपोर्ट के साथ भी शुरुआत कर सकते हो, इनकी तरह कोटेशन के साथ भी शुरुआत कर सकते हो, उनकी तरह एक ब्रॉडर पिक्चर भी ले सकते हो इस बात की, आप पे डिपेंड करता है. पर एक चीज नहीं बदलती है, वो है स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर सेम रहता है, लिखने के तरीके बदल जाते हैं, और मतलब जो जिस लेवल पे आप लिखते हो वो बदल जाता है. जैसे कि जब आपने लिख दिया डेवलपमेंट एंजेंडर्ड है, तो जाहिर सी बात है आपकी सरकार ने कुछ तो किया होगा ना डेवलपमेंट को हर तरह से कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए. स्टेट मेजर लेती है ना, जैसे मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट आ गया,
विमेन को रिजर्वेशन दे दी पंचायती राज में, ये सब क्या है? स्टेट के मेजर्स है। ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर बता दिया, स्टेट के मेजर है। लेकिन अगर स्टेट के मेजर्स इतने ही अच्छे होते तो ये टॉपिक तो कभी पूछा ही नहीं जाता। इसका मतलब है कि हर एक स्टेट के मेजर में कुछ कमियां हैं, कुछ लैक्यूनास हैं, कुछ कमियां हैं। क्या चीज? तो मैं तो स्ट्रक्चर की बात कर रही हूं, यहां बॉडी लो, बात ही खत्म हो गई। मैं अभी तक कंटेंट की बात नहीं कर रही थी। आप बाद में डिसाइड करोगे क्या इंट्रोडक्शन में लिखना है, क्या उसमें। ये पूरा ऐसे का स्ट्रक्चर है। हे ईश्वर, अब समझ आया कि नहीं? नहीं यार, ये तो मेरी पे उल्टा पड़ गया। वो अल्बर्ट आइंस्टाइन को भूल जाओ, बकवास कर रहा था। ठीक है कि अगर नहीं समझ आए तो, अगर लैक्यूनाज है तो जाहिर सी बात है सजेशन होंगे। अब इसमें से बना लो तुम्हारा इंट्रोडक्शन क्या है, बॉडी क्या है और कंक्लूजन क्या है। लेकिन स्ट्रक्चर मोर और लेस सबके लिए सेम रहेगा। स्ट्रक्चर को कैसे लिखोगे ये आप सब पे डिपेंड करता है। क्लियर है ये बात? ठीक है, देखो अभी तो हमने बातें बहुत सारी कर ली, और बातें तो करने के बाद सबको ऐसा लगता है बस सीख ही गए, अब तो अगला नंबर 160 हमारा ही है। ऐसे नहीं होता, कहते हैं ना कि थोड़ा लिखेंगे। अगर क्रिकेट देखने से इतना आता होता तो देश में हमारे सबसे ज्यादा क्रिकेटर्स होते, मतलब वैसे भी हैं लेकिन हर कोई क्रिकेटर होता, क्योंकि सबसे ज्यादा ओपिनियन तो हम ही देते हैं ना, यार शॉट नहीं खेला, अगर मैं होता तो ऐसा खेल जाता, वैसा खेल जाता। तो अब थोड़ा खेल लेते हैं, फील्ड पे आ जाए। घर जाके इस टॉपिक को जैसे लिखना चाहो, जो समझ आया है बिल्कुल खुले मन से लिखना। एक बार थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करना अपने लेवल पे, जहां जो भी डाउट आए। मेंस के बाद मेरा ये ईमेल आईडी है, इस पे आप मुझे मेल डाल सकते हो। हम इस पे चर्चा कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है, हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, तो क्या अभी से ऐसे लिखा जाए, या फिर अगर अभी से क्या करंट से कौन से मुद्दे उठाए जाए? देखो हाँ, अनसोल्ड जो प्रीवियस अगर आए हुए हैं जो मेंस के निबंध के टॉपिक, क्या उससे प्रैक्टिस किया जाए, या फिर जो करंट आ रहे हैं उससे मुद्दे लिए जाए और उसके बारे में, और क्या इसका टाइमिंग एक सप्ताह में एक लिखा जाए अभी से अगर तैयारी करने लिख जाए? देखो एक सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारी तैयारी अभी शुरू हुई है तो जाहिर सी बात है ऐसे राइटिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास कंटेंट ही नहीं होगा। ये मैं बहुत क्लियर शब्दों में बोल रही हूँ। जब तक तुम्हारे जीएस के चारों पेपर, मतलब एथिक्स अगर छोड़ भी दें, तो जीएस के अगर बेसिक पेपर्स तैयार नहीं है तो आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा ऐसे लिखने का। देखो ऐसे में राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए मैं मानती हूँ समय चाहिए, बट अभी के लिए ये डिपेंड करता है प्रिपरेशन कब शुरू करी है। अगर तीनों जीएस के पेपर्स तैयार हैं कुछ हद तक, मतलब पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोसाइटी एक बार पढ़ चुके हो, तो करंट अफेयर्स तो रोज ही पढ़ रहे हो एनीवेज, तो आप पिछले साल के टॉपिक्स उठा सकते हो यूपीएससी के। ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है, मार्केट में बहुत टॉपिक्स मिलते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज चलती है, ज्वाइन करो नहीं करो टॉपिक तो मिल ही जाता है, तो टॉपिक लिखने में क्या जाता है, तो प्रैक्टिस करने में कोई वो बुराई नहीं है। लेकिन अगर बिना कंटेंट की तैयारी के प्रैक्टिस करोगे तो सिवाय डीमोटिवेशन के और कुछ हाथ नहीं लगना, क्योंकि फिर तुम्हें ये सबसे बड़ी टेंशन तो होगी, यार मैं तो 200 वर्ड से ऊपर लिख ही नहीं पा रहा हूं, मैं ऐसे कैसे लिखूंगा। अरे उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है, तो वो थोड़ा सा जब क्लास 1 नहीं पढ़ी है तो फिर क्लास 5 कैसे आंसर कर पाओगे। तो पहले कंटेंट तैयार कर लो, जब एक बार कंटेंट तैयार हो जाए तब ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करना। हर हफ्ता करने की जरूरत नहीं है, महीने में 2 ऐसे भी लिखोगे तो बहुत है, पर यह है कि अभी से करना, मतलब अगर 18 में लिखना है, डिपेंड करता है कंटेंट तैयार है कि नहीं। कंटेंट तैयार हो गया कभी से भी प्रैक्टिस शुरू कर दो। लेकिन ये टॉपिक क्योंकि हमने क्लास में डिस्कस कर लिया है, और इस टॉपिक के लिए कुछ खास कंटेंट की जरूरत है नहीं, क्योंकि इतना करंट अफेयर्स तो आप सब पढ़ ही रहे हो, इसलिए इस टॉपिक को लिखने की कोशिश करना। ठीक है, बस इतना है कि ज्यादा अपने ऊपर दबाव वगैरह मत डालो, कोई प्रेशर मत लो, ऐसे राइटिंग ही तो है, कंटेंट अच्छे से तैयार कर लो, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बस इतना है, जब भी टेस्ट अटेम्प्ट करो, किसी भी इंस्टीट्यूट का अटेम्प्ट करो, आप लोग को ना टेस्ट सीरीज का पर्पस नहीं पता है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि टेस्ट में मार्क्स कितने आए हैं, और आपस में आप एक दूसरे के कंपैरिजन में आपकी जिंदगी निकल जाती है, और ये निकलने में कि विजन ने 15 दिन में चेक करके दिया या 20 दिन में, वो चर्चा का विषय होता है। ऐसे राइटिंग टेस्ट सीरीज जो है उसका पर्पस ये नहीं है। पर्पस ये होता है कि जब आप एक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, एक ऐसे लिखते हो, आप ये नहीं रियलाइज कर रहे हो कि आपने 2 टॉपिक्स एक एक सेक्शन से लिखे, आपने 6 टॉपिक्स छोड़े हैं। हो सकता है यूपीएससी में वो 2 टॉपिक्स ना आए, बाकी 6
टॉपिक्स में से कोई आ जाए. पर्पस ऑफ टेस्ट सीरीज होता है कि दो टॉपिक्स लिख के सबमिट करो और बाकी छह को जो भी फीडबैक मिला है उसके आधार पे घर पे प्रैक्टिस करो. हर एक ऐसे को एक नए तरीके से लिखने की कोशिश करो जिससे कि लास्टली आपको ये पता चले कि किस तरीके में आपको निपुणता हासिल है और किस तरीके में आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं. ये बहुत जरूरी होता है. दो तरह के ऐसे आते हैं, एक इशू बेस्ड आ जाता है, एक थोड़ा फिलोसफिकल ऐसे आ जाता है, और कभी कभी इशू में कुछ फैक्चुअल बेस्ड ऐसे आ जाता है. आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है कि आपको किस में सबसे ज्यादा निपुणता हासिल है. बहुत ऐसे लोग होते हैं जो फिलोसफिकल ऐसे बहुत अच्छा लिखते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लिख ही नहीं पाते हैं. तो वहां पर आप पहले से थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाओ कि किस तरह के ऐसे को आप लिखने में सक्षम हो. तो ये सब चीजों का आकलन किया जाता है टेस्ट सीरीज से. टेस्ट की भसड़ में लगे पड़े हैं, दो दो टॉपिक लिख लिख के आ रहे हैं, वो बाकी आ गए तो क्या कर लोगे? तो घर जाके बाकी छह का भी फ्रेमवर्क तैयार करना होता है और फिर ये डिसाइड करो कि कौन सी शैली किस तरह से लिखने में आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं. ये चीज का एनालिसिस होना चाहिए 5 टेस्ट के आधार पर. क्लियर है ये बात? तो इस तरह से अगर टेस्ट सीरीज को अप्रोच करोगे तो कुछ फायदा होगा, वरना क्या होगा, वो मार्क्स की उसमें रह जाओगे. वैसे भी जो यहाँ मार्क्स मिलते हैं गारंटी थोड़ी ना कि वहां पे भी वही मार्क्स मिलेंगे, इसलिए अपने अपने हिसाब से करो. तो कहने का मतलब है थोड़ी प्रैक्टिस करो, हो जाएगा. ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट पीपल, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक्स मैम, यू मोस्ट वेलकम.